नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। नीट एक्सप्रेस में आपका सेकंड लेक्चर है ये, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अब देखिए, कोशिका और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन तत्काल पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, इस वजह से मैंने इसको सेकंड लेक्चर में रखा है। पहले बात हम ये जानते हैं कि इस अध्याय से किस प्रकार से आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में क्वेश्चन कोशिका विभाजन में जो घटित घटनाएं हैं, जैसे आपके जो भी आते हैं G1, G2, फिर एम प्रावस्था में भी आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो इनमें कौन सी घटना घटित होती है, वहीं से क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन कि DNA की प्रतिकृति कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है, तो बताएंगे अंतरावस्था के एस प्रावस्था में। तो यही सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ज़्यादातर 90% जो चांस होते हैं क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से आने के, वो घटनाओं पर ही आते हैं कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं किस अवस्था में, मध्यावस्था में, या गुणसूत्र का संघनन कब प्रारंभ होता है, पूर्वावस्था में। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो घटनाएं हैं वो किस अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर आने से पहले हम कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे कि जिससे कुछ चीज़ें आपको माइंड में एकदम समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कोशिका विभाजन होता क्या है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है या चार कोशिका बना लेती है, उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। आखिर हम लोग ये सोचने वाली बात है ना कि हम लोग एक छोटी एक कोशिका से विकसित होते हैं। कौन सी कोशिका से विकसित होते हैं? युग्मनज से। हम लोग एक ऐसी कोशिका से विकसित होते हैं जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते, उसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से होता है। तो युग्मनज में ऐसा क्या होता है कि ये 9 महीने में एक पूर्ण शिशु का रूप ले लेता है? बताइए, ऐसा क्या होता है कि ये 9 महीने में एक पूर्ण शिशु का रूप ले लेता है? एक कोशिका थी, इससे कैसे पूरा जीव बन गया? तो इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवीजन होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। जैसे एक गिलास पानी में आप एक एक बूंद पानी डालते जाओ, तो एक एक बूंद पानी डालोगे, कभी ना कभी तो गिलास भरेगा पानी से। सेम वही चीज़ होती है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम में कोशिकाएं विभाजित होकर इतनी कोशिकाएं बना लेती है जिससे एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। समझ में आए कोशिका विभाजन क्या होता है? एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, ये पहले बात समझ लीजिए। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में माइटोसिस या इसे माइटोटिक भी कहते हैं, माइटोटिक, ठीक। इसे कहते हैं मियोसिस या इसे कहते हैं मियोटिक, मियोटिक डिवीजन। अच्छा, इसके और भी नाम हैं, अब यह बात में बताते हैं। पहले देखिए, ये समसूत्री और सूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये 2n का मतलब समझते हैं ना, 2n का मतलब क्या होता है? 2n मतलब द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था यानी डिप्लॉयड। ये क्या होता है? जब गुणसूत्र की संख्या बराबर हो, यानी गुणसूत्र की संख्या पूर्ण हो, बराबर नहीं, पूर्ण हो, गुणसूत्र की संख्या पूर्ण हो। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। तो 46 जो है वो 2n को रिप्रेजेंट करती है, द्विगुणित अवस्था को। लेकिन अगर n आ जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, आगुणित अवस्था या हैप्लॉयड स्टेज, हैप्लॉयड स्टेज, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। कितनी? 23। n बराबर 23 तो 2n बराबर 46 नहीं होगा, दुगना। तो यह अवस्था पहले जान लीजिए, क्या द्विगुणित किसे कहते हैं, आगुणित किसे कहते हैं। द्विगुणित का मतलब गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, आगुणित मतलब गुणसूत्रों की आधी संख्या, गुणसूत्रों की आधी संख्या, ठीक है। अब देखिए, जो समसूत्री विभाजन होता है, अगर द्विगुणित कोशिका में हो रहा है समसूत्री विभाजन, अगर ये समसूत्री विभाजन इस कोशिका में हो रहा है, तो जो गुणसूत्र इसमें है वही गुणसूत्र उसके संतति में भी जाएंगे, यानी 2n ही रहेगा, ठीक है।
इनसे जो भी कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होगी। जैसे अगर इसमें 46 था तो इससे बनी नई कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन, देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है, अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो आधा में क्या होगा, अगर कोशिका में 2n है यानी 46 गुणसूत्र है, तो इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में भी दो प्रकार से दो बार होता है, एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में ही क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी यहाँ पर 46 है तो उसकी संतानों में आधी गुणसूत्र 23 हो जाती है, हाफ हो जाता है। और फिर यहाँ पर अर्धसूत्री सेकंड होता है जिससे चार आगुणित कोशिकाएँ बनती हैं, चार आगुणित कोशिकाएँ बनती हैं, ये बात आप मन में बिठा लीजिए, ठीक है। 23 गुणसूत्र सब में पाए जाएंगे। तो एक बात आपने जाना कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। दूसरी बात आपने जाना कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका बनाती है लेकिन आगुणित आधी गुणसूत्र होती है। क्लियर है, ये मनुष्य का एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे सभी जीवों में यही चीजें होती हैं कि अगर किसी और जीव में है, मान लो कोई और जीव है उसमें गुणसूत्र की संख्या 16 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आपने जानी, क्लियर है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब इसी के आधार पर इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे देखिए गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसे क्या कहते हैं, सम विभाजन, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यानी जब गुणसूत्र की संख्या इक्वल हो, इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, आधी हो जाती है, तो रिड्यूस हो रहा है ना, कम हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। हालांकि इतनी ज़्यादा जानकारी जरूरी नहीं है, लेकिन एक शब्द आपको दिया गया है आपके एनसीईआरटी में इक्वेशनल डिवीजन के बारे में, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। कुछ नहीं है बाबू, बस आप प्रोसेस याद रखेंगे, क्या है, क्यों इसे हम रिडक्शन कहते हैं, क्यों इसे इक्वेशनल कहते हैं, इक्वेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इक्वल होती है। इसे रिडक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो रिडक्शनल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन को कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर हैं। चलिए अब बात आती है कि कहां कहां पर ये होते हैं, ये विभाजन किन किन कोशिकाओं में होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। समसूत्री विभाजन जरूरी है किसके लिए, जीवों की वृद्धि के लिए। ये पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, समस्त प्राणियों में होता है, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो आगुणित हो, जीव चाहे आगुणित हो या द्विगुणित हो, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। आगुणित भी जीव में भी, बहुत से ऐसे आगुणित जीव हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। इसका एक एग्जाम्पल है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी। मधुमक्खी की कहानी हम यहीं खत्म कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें तीन प्रकार की मधुमक्खियां कॉलोनी में पाई जाती हैं, एक होती है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, एक होता है ड्रोन और एक होता है वर्कर बीज को क्या कहते हैं हिंदी में, श्रमिक, श्रमिक वर्कर बीज, श्रमिक मधुमक्खी, ठीक। इतनी बात आप जाने कि मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है वो डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होती है, ड्रोन जो होते हैं वे आगुणित होते हैं, वर्कर जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, रानी मधुमक्खी के पास एक सुपर पावर होता है कि ये अपने अंडे से, अंडा तो हमेशा आगुणित होगा क्योंकि युग्मक है, युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो रानी मधुमक्खी के पास एक सुपर पावर होता है कि अपने अंडे से बिना शुक्राणु के, बिना नर युग्मक के ही ड्रोन का निर्माण कर सकती है। इसी वजह से इनके अंडे से ड्रोन विकसित हो जाते हैं जो आगुणित होते हैं। अब ये आगुणित हैं और ड्रोन ही रानी मधुमक्खी के साथ शादी करते हैं, सीधे सीधे हम आपको इनडायरेक्टली बताते हैं, यानी ये फ्यूज करते हैं इसके साथ और इनसे जो भी जायगोट बनता है इन दोनों के मिलने से ही होता है। यानी कह सकते हैं कि ड्रोन का रानी के साथ शादी होता है। तो अब इनमें युग्मक बनेंगे, ड्रोन में युग्मक बनेंगे, ये श्रमिक,
शादी विवाह नहीं कर पाते, ये बंद होते हैं। बंद का मतलब स्टेराइल, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। तो ये किसी चीज़ में भाग नहीं लेते, ये सिर्फ शहद बनाते हैं, काम करते हैं। ड्रोन जो होता है वो रानी के साथ शादी करती हैं और इनसे जो अंडे उत्पन्न होते हैं, सॉरी अंडे नहीं, जायगोट जो बनते हैं उससे श्रमिक या फिर रानी मधुमक्खी बनती हैं। ड्रोन केवल रानी के आगुणित अंडे से बनती हैं और चूंकि इसमें किसी शुक्राणु का भाग नहीं ले रहा है इसलिए इसे हम अनिषेक जनन भी कहते हैं। अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, जो कि रानी मधुमक्खी में होता है। उसके अंडे से ड्रोन विकसित होती है। अब चूंकि ड्रोन, देखिए ड्रोन मधुमक्खी आगुणित है, तो आगुणित है, आगुणित कोशिका से युग्मक बनने के लिए, देखिए युग्मक बनने के लिए हमेशा याद रखिएगा, युग्मक बनते समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन बेचारा खुद ही आगुणित है, तो आगुणित है तो क्या इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि n बाई टू हो जाएगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसके इसमें ड्रोन मधुमक्खी में युग्मक बनने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें युग्मक बनने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। अन्य जीवों में युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन ड्रोन मधुमक्खी में युग्मक बनते समय समसूत्री विभाजन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समसूत्री विभाजन आगुणित और द्विगुणित कई प्रकार की कोशिका, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। इतनी बातें आपने क्लियर हो गई। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, आगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, क्योंकि कभी भी n बाई टू की कंडीशन नहीं बनती। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब ये कोशिका चक्र क्या होता है? अभी कोशिका विभाजन आपने समझ लिया, आखिर ये कोशिका चक्र किसे कहते हैं? कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। चक्र का मतलब होता है जीवन चक्र। कोशिका का भी अपना एक जीवन चक्र होता है, जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, जब जन्म लेता है फिर उसके बाद उसकी वृद्धि होती है और एक अवस्था आती है जब वो जनन करता है, तो जनन करने के दौरान वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ये क्लियर हो गया बात। वैसे ही कोशिका की भी अपनी एक साइकिल होती है, वो जन्म लेता है कोशिका और फिर उस कोशिका में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है और फिर विभाजित होती है, विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। ठीक, तो याद रखेंगे कि इसके जो चक्र है उसमें उनको अवस्थाओं में बांट दिया गया है, हम लोगों को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए। कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा गया है ध्यान से समझिएगा। देखिए एक होता है जीवन, दूसरा होता है एस और तीसरा होता है जी टू, फिर आती है एम प्रावस्था और उसके बाद आता है साइटोकाइनोसिस। यानी जो कोशिका मान लो अभी नई नई बनी है, नई नई कोशिका बनी है, अब इसमें जीवन फेज शुरू होगा, गैप वन जिसे कहते हैं, यानी उसमें वो सक्रिय रूप से अपना कार्य करेगा, उसके अंदर सारे कार्य होंगे। फिर उसके बाद एस फेज आता है, एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज, इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है। ठीक है, एस फेज के बाद आता है जी टू फेज, गैप टू फेज, इसमें संबंधित प्रोटीन वगैरह का निर्माण होता है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो अवस्था है वो कहलाती है अंतरावस्था। ये पूरी अवस्था क्या कहलाती है? अंतरावस्था, इंटरफेज। तो इंटरफेज के दौरान कोशिका विभाजित नहीं होती, कोशिका की वृद्धि होती है। जैसे आप सभी जन्म से लेकर 20-25 साल तक के एज में आपकी वृद्धि होती है, पढ़ते हो, लिखते हो, कुछ बन जाते हो, फिर आप 25 साल के एज के बाद आपकी शादी होती है, तो वहां से आपका विभाजन शुरू हो जाता है। मतलब कि आप अपने अस्तित्व में नहीं रह पाओगे, फिर आपको लड़कों बच्चों को देखना होगा, अपनी वाइफ को देखना होगा। तो वैसे इसमें भी ये शुरुआती दौर में वृद्धि करते हैं जी टू फेज तक। ठीक है, ये अंतरावस्था कहलाती है, जो इनकी वृद्धि की अवस्था होती है। वृद्धि के बाद शुरू होता है एम प्रावस्था, एम प्रावस्था यानी विभाजन की प्रावस्था। अब इसमें आता है सबसे पहले प्रोफेज, मैं यही कहूँगा आप इंग्लिश में याद करते चलिए, हिंदी अभी छोड़ेंगे। फिर आता है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, और फिर आता है
एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज। ठीक, इस दौरान एम प्रावस्था के दौरान केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। याद करिए, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, याद करिए, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है, क्योंकि एक कोशिका में मुख्य रूप से क्या होता है, उसका केंद्रक होता है, केंद्रक विभाजित होकर दो हो गया, एक से दो केंद्रक हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब उसका कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, दो कोशिका बन जाएगी अलग अलग, एक कोशिका से दो कोशिका इस तरह से बन जाती है। अब यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य के विभाजन को, कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस। याद करिए इतनी बातें पहले आप। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद जब पूरी केंद्रक के विभाजन हो जाता है, तब उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे दो अलग अलग कोशिका बनती है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है बातें? यहां तक आपने समझा? तो बताइए, कोशिका किस अवस्था में वृद्धि करती है? अंतरावस्था, G1S G2 में। फिर उसके बाद उसका केंद्रक विभाजन किस अवस्था में होता है? एम प्रावस्था में उसका केंद्रक विभाजन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके अलग अलग फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद जब केंद्रक विभाजित हो जाता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब इन्हीं अलग अलग फेजेस में आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं, कि जीवन में क्या होता है, S2 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको परिचय दे देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद डिटेल स्टडी किया जाएगा। देखिए, जीवन फेज में कोशिका सक्रिय रूप से वृद्धि करती है। एस फेज में दो चीजें होती हैं, एक तो डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए डबल हो जाता है मात्रा, लेकिन गुणसूत्र की मात्रा वही होती है। और दूसरा, इसी फेज में तारक काय भी डबल हो जाता है, तारक तारक काय यानी सेंट्रोसोम भी क्या होता है? डबल हो जाता है इसी फेज में। और उसके बाद G2 फेज में आवश्यक प्रोटीन, अमीनो अम्ल, इन सभी का संश्लेषण होता है। अब उसके बाद आती है प्रोफेज। प्रोफेज को हिंदी में कहते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज। प्रोफेज में मेनली क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र शुरू में केंद्रक में गुणसूत्र की तरह नहीं होता, केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में नहीं होता, केंद्रक में ऐसे बिखरा हुआ जाल होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रक में डीएनए क्रोमैटिन के जाल के रूप में होता है। पूर्वावस्था में उसी क्रोमैटिन का संघनन होता है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय संघनन, यानी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, और उससे गुणसूत्र बनने लगते हैं। यानी इस अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्रों का संघनन होता है, गुणसूत्रों का संघनन होता है, कॉम्पैक्शन होता है। ठीक, जितने भी कोशिका में ऑर्गेनल्स हैं, गाल्जी काय, अंतःपरद्रव्य जालिका, ये सब नष्ट, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या कहेंगे? कि कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्वावस्था के बाद मध्यावस्था, मेटाफेज। अब मध्यावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर कई बार आपको पूछा गया, अभी डिटेल हम बताते हैं, बस थोड़ा सा आप जानकारी रखते चलिए। अब देखिए, ये जो क्रोमेटिन था वो गुणसूत्र का रूप लेने लगता है, मध्यावस्था तक आते आते ये पूरी तरीके से गुणसूत्र के रूप में हो जाता है, गुणसूत्र के रूप में हो जाता है। अब देखिए, गुणसूत्र में भी एक चीज आप जानकारी रखें कि गुणसूत्र में दो अर्धगुणसूत्र होते हैं, एक अर्धगुणसूत्र ये हो गया और दूसरा अर्धगुणसूत्र ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, किससे? सेंट्रोमियर के द्वारा। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। मध्यावस्था की खास बात ये होती है
कि इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इनकी हम अध्ययन कर सकते हैं इस अवस्था में, और दूसरा ये सारे गुणसूत्र मध्य रेखा में केंद्रक के एकदम बीचों बीच आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य रेखा पट्टिका बना लेते हैं। तो यहाँ की मध्यावस्था में गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र को हम देख सकते हैं और इसका हम अध्ययन भी इसी अवस्था में कर सकते हैं मध्यावस्था में। दूसरी बात याद है, गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य रेखा पट्टिका पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। बस इतनी खास बात आती है आपकी मध्यावस्था की। अब उसके बाद मध्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, पश्चावस्था यानी एनाफेज। पश्चावस्था एनाफेज, देखिए ये सब 60 चीजें हैं, जब चीजों को आप जान लेंगे तब उसके बाद विस्तृत रूप में पढ़ने में मजा आएगा। अब क्या होता है, उसी दौरान मध्यावस्था के ही दौरान या पूर्वावस्था के ही दौरान जो तारक काय होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, तारक काय विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो गुणसूत्र के काइनेटो कोर से जुड़ते हैं। अब देखिए पिछले वाले वीडियो में एक गलती हो गई थी, वहां पर क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा था कि तर्कु तंतु जो होते हैं वो गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, नहीं, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटो कोर से जुड़ते हैं, और मैं वहां पर सही भी बता रहा था लेकिन अब आंसर ऐसा लिख गया था तो मुझे भी कंफ्यूज हो गए, वहां पर हमको चेंज करना पड़ा, लेकिन आप सही कर लीजिएगा, काइनेटो कोर से जुड़ते हैं। गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु होता है, इस पर डिस्क के समान दो संरचनाएं होती हैं जिसे हम काइनेटो कोर कहते हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो गुणसूत्र के काइनेटो कोर से जुड़ जाते हैं मध्यावस्था के दौरान। जो पश्चावस्था होता है उसमें ये जो गुणसूत्र हैं वे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र हैं एक दूसरे से पृथक होकर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुव क्या होते हैं, ये ध्रुव हैं, ये एक ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, तो यहाँ पर गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र यानी गुणसूत्र में आधा भाग इधर और आधा भाग इधर इस ध्रुव पर चले जाते हैं, कौन सी अवस्था में, पश्चावस्था में, ठीक है, एनाफेज में। ये हो गया पूर्वावस्था पश्चावस्था की पहचान, यानी गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद आता है अंत्यावस्था, अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। अब क्या होगा, पूरी तरीके से जो गुणसूत्र बना था वो गुणसूत्र फिर से विघटित होकर क्रोमैटिन बना लेगा, यानी इनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसे ये क्रोमैटिन का जाल बना लेंगे, बिखर जाएंगे, और फिर इसी में केंद्रक का विभाजन शुरू हो जाता है, केंद्रक के बीचों बीच से विभाजन होता है, केंद्रक एक दूसरे से विभाजित होकर दो केंद्रक बना लेते हैं। अब वही चीज कि एक कोशिका में दो केंद्रक बन गए अंत्यावस्था के अंत तक। फिर उसके बाद आता है टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, इनके बीच खांच बनता है जिससे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। ये था शॉर्ट में कि क्या चीजें कैसे होती हैं, उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि पूर्वावस्था में शुरुआत होती है केंद्रक के विभाजन की, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ गुणसूत्र जो अभी क्रोमैटिन के रूप में थे वे कॉम्पैक्शन के थ्रू गुणसूत्र का रूप लेने लगते हैं और कोशिकांग जितने भी हैं गालजिका अंतपर्द विजालिका ये सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको मध्यावस्था में जो चीज़ें आती हैं, गुणसूत्र मध्यावस्था रेखा में पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तर्क तंतु उसके काइनेटिक कोर से जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं जिसका हम इस समय इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो भर भर के क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं कि मध्यावस्था में क्या होता है, जितनी चीजें आपको बता रहे हैं वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं कि मध्यावस्था पट्टिका पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं, किस अवस्था में, मध्यावस्था में, गालजिकाएं और ये अंतःप्रद्विजालिका ये सब नहीं दिखाई देते, किस अवस्था में, पूर्वावस्था में, गुणसूत्रों का संगणन किस अवस्था की पहचान है, तो गुणसूत्रों का संगणन पूर्वावस्था की पहचान है। यही सब क्वेश्चंस आपके बार बार नीट में पूछे गए हैं। आइए अब आते हैं हम बुक पर, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए आपका लेक्चर 2 स्टार्ट होता है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। आप समझ चुके कोशिका चक्र क्या होता है, जीवन चक्र कोशिका का, कि पहले कोशिका विभाजन वृद्धि करेगी,
कौन सी अवस्था में, G1S G2 यानी अंतरावस्था तक वृद्धि करेगी। फिर उसके बाद उसका केंद्रक विभाजन होगा, एम प्रावस्था है कि कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके बाद जब कोश केंद्रक पूरी तरीके से विभाजित होगा, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, यानी जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है। तो कोशिका चक्र भी इसी को कहते हैं, और लास्ट में कोशिका विभाजन होता है, इसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका यानी वो कोशिका जिससे नई कोशिका का निर्माण होता है, जैसे ये कोशिका थी, इससे नई कोशिका बन रही है, ठीक है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो ये नई कोशिकाएं कहलाती हैं। याद रखेंगे, इनको डॉटर कहते हैं। अब भगवान जाने क्यों इसे डॉटर कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते हैं, इसका मुझे पता नहीं चल पाया क्या रीज़न है, इसको डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं पैरेंट सेल, पैरेंट मतलब पैतृक कोशिका, जिससे ये बनती हैं, इनके माता पिता ये हैं, ठीक। कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इन्हें हम डॉटर सेल्स इंग्लिश में कहते हैं। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि और विभाजन करती हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, फिर उसी की तरीके से वृद्धि करेंगी और बाद में विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। देखिए, कोशिका चक्र क्या होता है, घटनाओं का वह क्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, यानी जीवन के बाद एस फेज में वो डीएनए का अपना द्विगुणन करती है, दो डीएनए अगर है तो उससे चार डीएनए हो जाता है। अन्य संघटों का संश्लेषण करती है, जैसे उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन इन सभी का संश्लेषण करती है, तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका वृद्धि यानी कोशिकाओं की जो वृद्धि है, हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में, इन द सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है उसकी वृद्धि के रूप में। ये एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कोशिका की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस बात को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, अभी गोली मारिए, अभी क्या आपका लाइन दिया गया है एनसीईआरटी में कि कोशिका वृद्धि किस संदर्भ में, कोशिका द्रव्य की वृद्धि के संदर्भ में, एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है बातें, बताइए कोशिका की कौन सी अवस्था उसकी सतत प्रक्रिया है, तो क्या बताएंगे, कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य के संदर्भ में उसकी सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है, जटिल प्रक्रिया क्रम के दौरान संतति केंद्रों को में वितरित होता है, यानी जो डीएनए डबल होता है, आधा डीएनए एक केंद्रक में, आधा डीएनए दूसरे केंद्रक में चला जाता है, ठीक है। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका विभाजन कह लीजिए, कि कोशिका विभाजन किसके नियंत्रण में होती है, आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है, या फिर आप कहेंगे, आज से डिटेल पूछ लीजिएगा, कि कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए का प्रतिकृति जटिल घटनाक्रम के दौरान द्वारा संतति कोशिकाओं में वितरण होना किसके अंतर्गत होता है, आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होता है। क्लियर है बातें, क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिए कि कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित होता है या किसके अंतर्गत होता है, तो बताएंगे आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होता है। नोट, शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ कोशिका जिसे हम एपिकल सेल्स कहते हैं, जो शीर्ष पर पाई जाती हैं पौधों की, उनमें जीवन भर विभाजन होता है। ऐसी कोशिकाएं जो जीवन भर निरंतर विभाजन करती रहती हैं, ऐसी कोशिकाओं को विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कौन सी कोशिका जीवन भर जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती है, विभज्योतिकी कोशिका, मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायरस फ्री या इन्फेक्शन संक्रमण रहित कौन सा क्षेत्र होता है, तो संक्रमण रहित यही क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र, पौधे का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई संक्रमण नहीं हो पाता, न जीवाणु का न विषाणु का, तो वो संक्रमण रहित क्षेत्र होता है पौधे का शीर्षस्थ भाग, एपिकल रीजन। एपिकल रीजन में कोई भी संक्रमण पौधे पर नहीं हो पाता। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, तो अभी मैंने आपको बताया कोशिका चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं। एक आता है जीवन, फिर आता है एस, फिर आता है G2। सबसे लंबी प्रावस्था कोशिका चक्र की कौन सी होती है, सबसे लंबी प्रावस्था कोशिका चक्र की होती है अंतरावस्था। कुल समय का 95% अकेले लेता है। मान लो अगर 24 घंटे में कोई कोशिका विभाजित हो रही है, तो इतने देर में G1S G2 में 23 घंटे लगेंगे, बाकी विभाजन होने में रेस्ट 1 घंटा लगेगा, सॉरी, ठीक है।
तो ज्यादा समय कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था किसे कहेंगे? कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था अंतरावस्था को कहेंगे। क्लियर है? इस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं अभी आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद अंतरावस्था के बाद शुरू होती है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था अब इसमें देखें, यहां तक मैंने बता दिया, गलती कर दिया, यहां तक होगा, यहां पर होगा प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, फिर होगा टीलोफेज, ठीक है, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। एक कोशिका देखिए, एक कोशिका यहाँ पर दर्शाई गई है, ये पहले जी1 में जाएगी, फिर एस, फिर जी2, फिर उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसकी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, बस यही है कोशिका चक्र। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है फिगर ही देकर कि बताइए, यहां पर लिख देंगे ए, ऐसे दे देंगे ए बी सी डी ई, बताइए इनमें क्या है, तो आप बताओगे ना, तभी बता पाओगे जब आप पढ़े होगे। तो इस फिगर को ड्रॉ करके एक बार समझ लीजिएगा, आप ऐसे बनाइएगा, सबसे ज्यादा जी1, फिर एस, फिर जी2 अवस्था लेती है, अंतराप्रावस्था, फिर शुरू होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ये फिगर बना के प्रैक्टिस करिएगा। अब आइए देखते हैं क्या चीजें होती हैं कोशिका चक्र की प्रावस्था। यहां पर दो चीजें आपको दी गई हैं एनसीईआरटी में कि कौन सी कोशिका कितने देर में विभाजित होती है। मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में विभाजित होती है, प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है, यानी मनुष्य की कोशिका को 24 घंटे लगते हैं विभाजन में। यीस्ट की जो कोशिका है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, यीस्ट की कोशिका कितने देर में विभाजन होती है, 90 मिनट लेता है कोशिका चक्र के पूर्ण होने में, यहां से लेकर यहां तक के पूर्ण होने में 90 मिनट का समय लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। यीस्ट कोशिका कोशिका चक्र द्वारा वृद्धि करती है लगभग, तो कोशिका चक्र द्वारा वृद्धि करती है कितने मिनट में? 90 मिनट में, अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं, तो अभी आपने मूल प्रावस्था पढ़ा है, एक होता है अंतरावस्था, यानी ये जी1 एस जी2, ये अंतरावस्था है, यहां से लेकर यहां तक अंतरावस्था है, ठीक, अंतरावस्था में क्या क्या आता है, जी1 एस जी2, उसके बाद एम प्रावस्था, एम प्रावस्था में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद करिए तुरंत 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 याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, अंतरावस्था और एम प्रावस्था। अंतरावस्था में क्या आता है, जी1 एस जी2, फिर उसके बाद एम प्रावस्था में क्या आता है बताइए, पूर्वावस्था, पहले इतना याद करिए, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, उसके बाद मध्यावस्था यानी मेटाफेज, उसके बाद पश्चावस्था यानी टीलोफेज, सॉरी एनाफेज, एनाफेज, और उसके बाद आता है अंत्यावस्था यानी टीलोफेज, पहले इतना याद करिए आप लोग, टीलोफेज याद करिए। कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं, दो अवस्थाएं, पहला अंतरावस्था, इसमें कौन कौन से आते हैं, जी1 एस जी2, एम प्रावस्था, एम प्रावस्था में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद हो गया। आइए अब हम सबसे पहले अंतरावस्था को पढ़ेंगे कि अंतरावस्था में क्या क्या चीजें आती हैं। अंतरावस्था होती किसके किसके बीच की अवस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरावस्था किसके किसके बीच की अवस्था है। तो अंतरावस्था देखिए कहां से शुरू होती है, यहां से यहां तक, यानी जी1 से लेकर एम प्रावस्था के बीच की समय, दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच, या ऐसे भी कह सकते हैं दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच, दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच, यानी एक कोशिका में पहले अंतरावस्था शुरू होगी, फिर एम प्रावस्था आएगी, फिर उसके बाद अंतरावस्था होगी, फिर एम फेज आएगी, तो दो एम फेज के बीच का जो समय होता है उसे हम अंतरावस्था कहते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन आपकी दी गई है, आप भ्रमित हो जाओगे, पूरा उम्मीद है भ्रमित हो जाओगे, इस वजह से इसको आप समझ लीजिए। देखिए कोई भी इंटरफेज है ना, इंटरफेज के बाद क्या आएगा, अंतरावस्था के बाद क्या आएगा, एम प्रावस्था आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एम प्रावस्था के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, दो कोशिका बन गई, अब फिर इस कोशिका में क्या होगा, इस कोशिका में फिर से क्या होगा, अंतरावस्था होगा कि नहीं होगा, इंटरफेज होगा कि नहीं होगा, या हम यहीं से बना लेते हैं, इसके बाद फिर क्या होगा, इंटर
फेज, इंटरफेज होगा। अब इंटरफेज के बाद फिर क्या आएगा, अंप्रावस्था आएगा कि नहीं आएगा, अंप्रावस्था। तो अब चलो इसको मिटा दो। अब देखो इंटरफेज दो अंप्रावस्था के बीच की ही तो कड़ी है, दो अंप्रावस्था के बीच की ही तो कड़ी है। तो अंतरावस्था क्या होती है, दो क्रमिक अंप्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। क्लियर बात है, अंतरावस्था ऐसा नोट कर लीजिए, पहले किसी कोशिका में इंटरफेज होगा, फिर उसमें अंप्रावस्था होगी, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका विभाजित होगी, फिर जो नई कोशिका बनेगी फिर इंटरफेज में जाएगा, फिर उसके बाद अंप्रावस्था आएगा। तो अब दो अंप्रावस्थाओं के बीच क्या आता है, इंटरफेज, या दो अंप्रावस्थाओं के बीच साइटोकाइनेसिस भी आता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया एक। देखिए मनुष्य की कोशिका के औसतन 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ एक घंटे में होती है। कोशिका का विभाजन यानी अंप्रावस्था और साइटोकाइनेसिस एक ही घंटे में पूरी हो जाती है, तो बाकी रेस्ट टाइम कहाँ जाता है, तो ज्यादातर 95% जो समय किसमें लगता है, अंतरावस्था में। इसी वजह से अंतरावस्था क्या होती है, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इस बात को नोट कर लीजिए, कहाँ पर नोट करेंगे, यहीं पर नोट कर लीजिए जो आपको यहाँ पर बनाए हैं। अंतरावस्था में आपने क्या लिखा था, जीवन एस जी टू, फिर आगे लिख लीजिए कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था अंतरावस्था। क्लियर है, आइए अंतरावस्था को और किस नाम से जानते हैं, अंतरावस्था को विश्राम अवस्था कहते हैं, विश्राम प्रावस्था, रेस्टिंग पीरियड। क्यों, क्योंकि इस समय कोशिका ज्यादा मेहनत नहीं करती है, अपनी सिर्फ वृद्धि करती है, खाती पीती मौज मनाती है। या वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए सिर्फ तैयार होती है, इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि होती है और उसमें डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में क्लास 12th में। डीएनए रेप्लिकेशन आता है आपका क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 में। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका मतलब सिर्फ समझना है कि डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनना, यही कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है, बाकी आपको जो 12th का आएगा चैप्टर नंबर 6 तब आपको डिटेल बताया जाएगा। अब देखिए अंतरावस्था में आपने पढ़ा तीन अवस्थाएं आती हैं, जीवन एस जी टू है ना, गैप वन सिंथेसिस जी टू गैप टू, इसको हिंदी में कहते हैं पश्चसूत्री अंतराकाल प्रावस्था। भगवान जाने, मत याद करना, ये सब मत याद करना, हिंदी मत याद करना, ठीक है, जहां पर आवश्यकता पड़ेगी मैं खुद बताऊंगा। जीवन कहिएगा, जीवन फेज या गैप वन फेज, एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता बनना, संश्लेषण। तो इसमें क्या बनता है, डीएनए बनता है ना, एक डीएनए से दो डीएनए बनता है ना, इसीलिए इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस प्रावस्था को सिंथेसिस फेज या संश्लेषण प्रावस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रावस्था में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। क्लियर है बातें, ये इसकी प्रमुख घटना है एस प्रावस्था की। और जी टू फेज यानी इसको गैप टू कहते हैं, बाकी हिंदी मत याद करिएगा, जितना इंग्लिश में बता रहा हूँ उतना याद करिए। अब देखिए मुख्य घटनाएं क्या घटती हैं, जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में कुछ भी खास नहीं, कोशिका वृद्धि करती है, कोशिका सक्रिय रूप से तैयार होती है विभाजन के लिए। जीवन फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृति के बीच का अंतराल है। अब इसको भी पहले नोट करिए, जैसे आपने क्या पढ़ा अंतरावस्था किसके किसके बीच की अवस्था है, तो अंतरावस्था दो अंप्रावस्था के बीच की अवस्था है, उसी तरीके से जीवन फेज किसके बीच की अवस्था है, तो जीवन फेज अंप्रावस्था और डीएनए प्रतिकृति के बीच की अवस्था है, ठीक है, अंप्रावस्था और एस फेज के बीच की अवस्था होती है जीवन। क्लियर है, जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है, बस इतना याद करना है कि जीवन फेज में एक तो ये कि किसके बीच का अंतराल है, तो समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के बीच का अंतराल है, दूसरा कि इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सारे क्रियाएं इनमें कोशिकाओं में होती है, संचालित होती है और लगातार कोशिका वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन में नहीं होता, डीएनए का प्रतिकृति नहीं होता। क्लियर बात, आइए तो यहां पर आपने जीवन फेज में दो अवस्थाएं, दो चीजें जाननी, दो घटनाएं, एक तो ये कि ये किसके किसके बीच की कड़ी है, तो ये अंप्रावस्था और डीएनए प्रतिकृति के बीच की कड़ी मानी जाती है, दूसरा इस अवस्था में कोशिका मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए प्रतिकृति नहीं होता। अब आता है एस प्रावस्था,
इस प्रावस्था की दो प्रमुख घटनाएं आपने मन में एकदम छाप बना लीजिए। एक तो इस प्रावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और दूसरा इस अवस्था में तारक काय का भी रेप्लिकेशन होता है। यानी जैसे डीएनए विभाजित होकर दो डीएनए बना लेते हैं इस प्रावस्था में, उसी तरीके से तारक काय भी विभाजित होकर इसी अवस्था में दो तारक काय बना लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सेंट्रोसोम किस अवस्था में विभाजित होकर दो बन जाते हैं, तो इस प्रावस्था में। अभी तक तो बार बार यही पूछा जा रहा है कि डीएनए किस अवस्था में डुप्लीकेशन होता है, डबल हो जाते हैं, इस प्रावस्था में। हो सकता है इस बार पूछ ले कि तारक काय किस अवस्था में डबल हो जाते हैं, इस प्रावस्था में। ये दो घटनाएं इस फेज एस फेज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, इस प्रावस्था में डीएनए विभाजित होकर दो डीएनए बना तो लेती हैं लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। डीएनए से ही गुणसूत्र बनता है, यह आप जानते हो। अब सोच रहे होगे कि गुणसूत्र अगर डबल हो रहा है तो डीएनए अगर डबल हो रहा है तो गुणसूत्र भी तो डबल होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि डीएनए कॉम्पैक्ट होकर गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं। अभी गुणसूत्र बना नहीं है, इन्हीं डीएनए से ही बनना है। तो अगर मान लो कि डीएनए की मात्रा 2C थी तो ये बढ़कर 4C हो जाती है। दो कंटेंट अगर डीएनए करा होगा तो ये 4 कंटेंट हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र की मात्रा 46 अगर थी तो वो 46 ही होगी। गुणसूत्र की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात अपने मन में नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एस प्रावस्था में क्या होता है कि एस फेज में, जिसे हम संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं, इसमें डीएनए का निर्माण, इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। माइंड में बिठा लीजिए, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है, डबल हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, गुणसूत्र की संख्या अगर जीवन प्रावस्था में 2n रही होगी तो ये इस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या 2n ही होगी। ठीक, तो याद करिए इस फेज में तीन घटनाएं। पहला तो ये कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दूसरा तारक काय का रेप्लिकेशन होता है, और तीसरा कि डीएनए तो दुगुनी होती है लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस ये तीन बात अपने नोट कर लीजिए कॉपी में। एस प्रावस्था हो गया, यानी डीएनए डबल हो गया, तारक काय डबल हो गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कायिक कोशिका, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम मिटा दे फटाफट। एक कायिक कोशिका में जिसने अपने कोशिका चक्र की अभी अभी एस प्रावस्था पूरी की है, कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका है, जिसने अपने कोशिका चक्र की अभी भी एस अवस्था पूरी की है, उसी जाति के युग्मक की तुलना में। अब देखिए युग्मक बोल दिए हैं, कायिक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, लेकिन युग्मक क्या होते हैं, आगुणित होते हैं। तब क्या होगा, एक कायिक कोशिका जिसने अपनी कोशिका चक्र में अभी भी एस प्रावस्था को पूरी की है, तो इसमें एस प्रावस्था को पूरी की है तो गुणसूत्र की संख्या तो 2n ही रहेगी, लेकिन इसका जो डीएनए मात्रा है वो 2c से बढ़कर 4c हो जाएगा। तो युग्मक में क्या परिवर्तन आएगा, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है और डीएनए की मात्रा 4 गुना अधिक होती है। अब फिर से एक उस पर क्वेश्चन बताते हैं कि एक कायिक कोशिका में जिसने अपनी कोशिका चक्र के अभी भी इस प्रावस्था को पूरी की है, उसी स्पीसीज की युग्मक की तुलना में। अब युग्मक की तुलना में बताना है कि कायिक कोशिका में क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए युग्मक में तो गुणसूत्र आधी होती है, यानी एक मानेंगे, तो कायिक कोशिका में संख्या दुगनी हो जाएगी, 2n होगी। क्लियर है बातें। अच्छा, डीएनए की मात्रा में तो यहां पर कोई परिवर्तन से मतलब ही नहीं है, डीएनए की मात्रा तो 4 गुना होगा ही होगा, क्योंकि अब यहां पर गुणसूत्र आधी थी, यानी इसमें सिर्फ सी होगा और सी से बढ़कर 4C होगा, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही जाएगा कि गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाएगी कायिक कोशिका में युग्मक की तुलना में, अगर हम बात करें, क्योंकि युग्मक में गुणसूत्र आधी है तो इससे दुगनी होगी कायिक कोशिका में। मान लो यहां पर 23 है तो यहां पर 46 होगी, दुगनी हो जाएगी। और डीएनए की जो मात्रा है वो यहां पर सी रही होगी जो कि 4C हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 2n होने पर 2c होता है, तो हाफ n होने पर c होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कोशिका चक्र के अस्प्रावस्था में क्या होता है, तो आपने अभी पढ़ा है कोशिका चक्र के अस्प्रावस्था में तीन चीजें होती हैं। तुरंत ऑप्शन मत देखिए, पहले मन में नोट करिए कि अस्प्रावस्था में तीन चीजें होती हैं। एक तो ये कि तारक काय विभाजित होकर दो हो जाता है, दूसरा डीएनए विभाजित होकर दो हो जाता है, और तीसरा डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। देख लीजिए, गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, नहीं, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है, नहीं, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, अस्प्रावस्था में, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी मेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब आता है अगला टॉपिक G2 फेज। तो G2 फेज में कुछ भी खास बात नहीं है, सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है किस अवस्था में। देखिए, कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन के लिए यानी एम प्रावस्था की शुरुआत के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण G2 फेज में होता है। बस एक लाइन आपको G2 फेज का याद करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि डीएनए की मात्रा प्रारंभिक मात्रा 2C है, तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए की मात्रा 4C हो जाएगी। तो 4C किस अवस्था में होती है, एस फेज में होती है। अब एस के बाद जो भी आएगा सब में G2 में होगी, और एम प्रावस्था में आपका एनाफेज तक तो होगा ही होगा, नहीं, मेटाफेज तक होगा, लेकिन मेटाफेज भी नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर वो गुणसूत्र बन जाता है, तो डीएनए नहीं रह जाता, गुणसूत्र बन जाता है। तो एस के बाद एस या G2, एस और G2, इन दोनों में गुणसूत्र की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो देखिए, एस कहीं पर दिया गया है, एस दिया गया है जीवन के साथ में, तो ये नहीं होगा क्योंकि जीवन में गुणसूत्र की संख्या तो आधी ही होती है, दुगनी तो, सॉरी, आधी नहीं, पूरी होती है, दुगनी नहीं होती, दुगनी तो एस प्रावस्था में होती है, तो यह नहीं होगा। अब एस कहीं है नहीं, केवल G2 दिया गया है, ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि एस अवस्था में 4C होगा, वही डीएनए G2 में भी तो जाएगा 4C। अब यही 4C जब एम प्रावस्था में जाएगा तो 4C डीएनए नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये डीएनए है, जैसे ही एम प्रावस्था में प्रवेश करेगा पूर्वावस्था में इस डीएनए से गुणसूत्र बनना शुरू हो जाएगा। गुणसूत्र कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, डीएनए जैसे एक धागा है ना, एक बहुत बिखरा हुआ मैं धागा अगर फेंक दूं, आपको एक मशीन दे दूं, आपसे कह दूं कि जो धागे का रोलर होता है उसमें लगा के रोल करो, तो अभी बिखरा हुआ धागा है यानी अभी डीएनए है, अगर आप मशीन में उस डीएनए को रोल करके एकदम बढ़िया सा पैक करके एक धागा का एक रोल बना दो जो मार्केट में बिकता है 2.5 रुपए का, तो वो क्या गुणसूत्र कहलाएगा। यानी बिखरा हुआ डीएनए ही जब कॉम्पैक्ट होकर इतना ऐसे से व्यवस्थित होकर ऐसी ऐसी संरचना बना लेती है, खूब व्यवस्थित होकर ऐसी संरचना बना लेती है, तब इसे हम कहते हैं गुणसूत्र। क्लियर है बात। तो गुणसूत्र कुछ नहीं है, गुणसूत्र है डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। अब देखिए, ऐसी कौन सी कोशिका है जो विभाजित नहीं होती, तो बहुत सी ऐसी कोशिकाएं जैसे हृदय की कोशिका, हार्ट सेल विभाजित नहीं होती, तो ऐसा तो है नहीं कि चलो विभाजित नहीं होती, तो कोशिका चक्र की कुछ अवस्थाएं तो होंगी, क्योंकि चक्र है, जीवन चक्र है। कोई जैसे हम लोगों में, मनुष्य में क्या है, एक होते ब्रह्मचारी जो विवाह नहीं करते, लेकिन क्या उनकी उनके शरीर वृद्धि नहीं करती है, तो उनके जीवन चक्र में उनकी वृद्धि तो होगी लेकिन जनन नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें बहुत सी ऐसी कोशिका जो विभाजन तो नहीं करेंगी लेकिन वृद्धि तो करेंगी, जीवन एस G2 इनमें होगा लेकिन एम प्रावस्था गायब हो जाती है, विभाजन नहीं होता, तो वो जाती कहाँ है फिर, तो वो चली जाती हैं एक अन्य फेज में जिसे हम G0 फेज कहते हैं। तो G0 फेज कहते हैं, जैसे देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि कोई कोशिका सामान्य रूप से क्या करती है, जीवन फेज में जाती है, फिर एस फेज में, फिर G2 फेज में, और फिर जाती है एम प्रावस्था में, जिसमें प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, और फिर उसके बाद टीलोफेज, और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो होती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजन नहीं करती, तो कौन कौन सी अवस्थाओं को पार करती हैं ये भी समझना है। वे जीवन को पार करती हैं, G2 को पार करती हैं, G2 को पार करती हैं, लेकिन ये एम प्रावस्था को पार नहीं कर पाती। मान लो कि हम प्रावस्था को पार भी कर ली तो साइटोकाइनोसिस नहीं होगा, कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, तो एक कोशिका में केंद्रक का विभाजन तो हो गया लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात यहाँ पर ये नहीं कहेंगे, यहाँ पर G0 की जो बात की गई है वो एम प्रावस्था को हटा की गई है, यहाँ पर एम प्रावस्था नहीं होती, एम प्रावस्था नहीं होती,
अब नारियल का तरल भ्रूणपोष है उसका एग्जांपल बाद में देंगे जिसमें एम प्रावस्था होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। देखिए कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ वृद्धि करती हैं, विभाजित नहीं होती, जैसे ये G1 में जाएंगी, S में जाएंगे, G2 में जाएंगे, एम प्रावस्था में नहीं जाती, ये यहाँ से सीधे जंप कर जाती हैं G0 में, शांत अवस्था जिसे कहते हैं, और वो विभाजन नहीं करती, फिर उनमें होगा G1, S, G2, यानी ये चक्र चलता रहेगा, विभाजित नहीं होंगी। तो कुछ ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती, जैसे हर हृदय कोशिका, अनेक दूसरी कोशिकाएं, हमारे शरीर में भी बहुत सी कोशिकाएं जैसे त्वचा की कोशिका, अब हमारी वृद्धि हो चुकी है, हमें जितनी लंबाई वगैरह बढ़ना था हमारी बढ़ गई, अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर कोशिका कब विभाजित होगी, मान लो हम यहाँ पर किसी भी चोट लग गया कट जाए, तो कटने के बाद वहाँ की कोशिकाएं, यहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई ना, खून निकलेगा थोड़ी देर बाद, ब्लड आना बंद हो जाएगा, फिर आप कुछ 2-3 दिन बाद देखोगे कि पपड़ी बन जाएगी काले कलर की, फिर उसके बाद पपड़ी हटेगी तो आप देखोगे नई चमड़ी बन गई, तो नई चमड़ी जो बनती है वो कोशिका ही तो होती है, तो वहाँ की कोशिका जो क्षतिग्रस्त हो गई है, नष्ट हो गई है, तो अब वहाँ पर जरूरी हो गई है कोशिका का विभाजन होना, तो जो नष्ट हो गई कोशिका है उनको हटा कर नई कोशिका बनने के लिए यहाँ की कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, तो तब होता है कोशिका विभाजन जब उसकी जरूरत होती है। तो इसलिए यदा कदा विभाजित होती हैं, ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए इसकी आवश्यकता हो। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, ये सब कोशिकाएं जो अभी हमारे शरीर में विभाजित नहीं हो रही हैं, तो वे कहाँ चली जाती हैं, वो जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था क्वेशेंट फेज या क्वेशेंट स्टेज G0 कहते हैं, याद कर लीजिए। वे कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती जीवन से निकलकर कहाँ चली जाती हैं, जीवन एस जी टू से होते हुए एम प्रावस्था को छोड़कर, शायद इनमें एस और जी टू भी नहीं होता, हाँ सही है, जीवन से सीधे निकलकर जी जीरो में चली जाती हैं, एस भी नहीं होता और जी टू भी नहीं होता, जीवन से सीधे जी जीरो में चली जाती हैं, क्वेशेंट फेज में चली जाती हैं, और इसे हम शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की जो कोशिकाएं उनमें उपापचयी रूप से सक्रिय हैं, सारी क्रियाएं इन कोशिका में हो रही है लेकिन बस कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं होती, इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। तो चलिए अभी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, क्या की मैंने, क्या बोला कि ऐसी कोशिकाएं जीवन एस जी टू से होकर G0 में जाती हैं, अब इसको काट लीजिए, मन से हटा दीजिए, मेरी भी एक गलतफहमी दूर हुई, जीवन से सीधे G0 में जाती हैं, एस G2 में नहीं जाती। आइए देखते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। यूकैरियोटिक कोशिका चक्र में G0 अवस्था दर्शाती है, G0 अवस्था क्या दर्शाती है, शांत अवस्था दर्शाती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। देख लीजिए, अगली अवस्था में प्रवेश करने से पहले का अवरोध बिंदु, कोशिका चक्र के मध्य में रोकना जिससे अस्थायी रूप से विलंब कर तालमेल किया जाए, नहीं, कोशिका की मृत्यु, कोशिका का चक्र से बाहर आना, कोशिका चक्र से बाहर आना ही क्वेशेंट स्टेज या G0 की खास बात होती है, यानी कोशिका चक्र में वो जाती ही नहीं है, जीवन में आई फिर उसके बाद G0 में पहुंच के, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्य कोशिकीय क्रियाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण आदि प्राथमिक रूप से किस में होता है, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होता है, अभी आपने पढ़ा है G2 में होता है, तो बताइए जीवन एस जी टू किस में आता है, अंतरावस्था में आता है ना, प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, G2 फेज में, और ये किस में आता है, अंतरावस्था यानी इंटरफेज में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंटरफेज, ढूंढ डालिए इंटरफेज में, देखिए मिल गया ऑप्शन ए। DNA का द्विगुणन कहाँ होता है, तो आपको पता है DNA का द्विगुणन एस फेज में होता है, लगा दीजिए फटाक से, अब चूंकि एस फेज नहीं दिया गया है तो बताइए, अभी बताए हैं जीवन एस जी टू किसकी अवस्था है, इंटरफेज की ही तो है, क्या लगाओगे, डी इंटरफेज। विभेदित कोशिका को किस अवस्था में अरेस्ट कर लिया जाता है, किस अवस्था में विभाजन को रोक कर अरेस्ट कर लिया जाता है, किस में, G0 में, शांत अवस्था में, सी, ठीक है G0 में। अब देखिए ये सूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो अभी इससे पहले मैंने चर्चा कर ली थी कि सूत्री विभाजन आगुणित जीवों में और द्विगुणित दोनों प्रकार के जीवों में हो सकता है, केवल द्विगुणित जीवों में, कायिक कोशिकाओं में दिखाई देता है, इनमें कुछ अपवाद है जहाँ आगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं जैसे नर मधुमक्खी, तो आप क्या याद करोगे कि सूत्री विभाजन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है, द्विगुणित और आगुणित दोनों में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होती है, आगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। इसके विपरीत पौधों में सूत्री विभाजन आगुणित द्विगुणित दोनों प्रकार के कोशिकाओं में देखा जाता है। अब आता है एम प्रावस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपने याद किया कि एम प्रावस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। एम प्रावस्था की मुख्य बात क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि एम प्रावस्था में सबसे पहले होगा केंद्रक का विभाजन। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और अब देखिए कैरियो शब्द सब कुछ मतलब बनाते चलिएगा। मैंने आपको बताया था कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका, कोशिका या कोशिका द्रव्य। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका का विभाजन यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो पहले देखिए विभाजन में सबसे पहले की अवस्था क्या होती है? तो विभाजन में सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, यानी सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो ऐसे भी बोलते हैं कि सेल डिवीजन फॉलो कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो सूत्री विभाजन में देखिए पहले केंद्रक का विभाजन होगा यानी कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद जब संगति संतति गुणसूत्र पृथक होकर आधे आधे गुणसूत्र एक केंद्रक में दूसरे केंद्रक में चले जाएंगे, तब उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। चूंकि हम समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, अभी हम अर्धसूत्री की विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं। इसी एम प्रावस्था में ना दो प्रकार का होता है। एम प्रावस्था में एक समसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री की जगह पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब वहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो चूंकि हम अभी समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर बराबर होती है उनकी संतानों की कोशिकाओं में, इसलिए हम इसे समसूत्री या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सूत्री विभाजन में जो केंद्रक का विभाजन है उसको चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? फिर वही चीज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद करिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चार अवस्थाएं आपकी कैरियोकाइनेसिस की होती हैं, यानी कोशिका द्रव्य के विभाजन की। अब वही चीजें जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी फिर से रिपीट कर देता हूं कि पूर्वावस्था की पहचान क्या है। पूर्वावस्था की पहचान ये है कि मैंने आपको क्या बताया था कि केंद्रक में पहले ही गुणसूत्र नहीं होता। गुणसूत्र किस रूप में होता है? डीएनए के रूप में होता है, जो धागे के रूप में बिखरा होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कॉम्पैक्शन होता है यानी संघनन होता है, गुणसूत्रों का संघनन होता है यानी गुणसूत्र बनना शुरू होता है, उस क्रोमैटिन के धागे से बनना शुरू होता है। अभी देखिए ये बिखरे हुए हैं, धीरे धीरे ये आकार ले रहे हैं गुणसूत्र का। तो गुणसूत्र के संघनन की प्रारंभ होना ही पूर्वावस्था की पहचान होती है। गुणसूत्रों का संघनन यानी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोफेज, पूर्वावस्था की पहचान होती है गुणसूत्रों का संघनन। गुणसूत्रों का संघनन होता है, गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इनमें अंतःप्रद्वीपी जालिका, कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्वीपी जालिका, अगालजिका, ये सभी धीरे धीरे नहीं दिखाई देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसी दौरान पूर्वावस्था में ही जो तारक काय है, जो कि एस प्रावस्था में विभाजित होकर दो बन गई है, ये दो तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। अब मध्यावस्था की बात आती है, तो मध्यावस्था में तारक काय एकदम अपने अपने ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। एक ध्रुव ये हो गया, जैसे आपने पृथ्वी पर पढ़ा है ना, ये उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया। मान लो जैसे पृथ्वी के संदर्भ में आपने पढ़ा है, ये उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये दो ध्रुव हैं, तो दो अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर तारक काय चले जाते हैं सेंट्रोसोम। और जो गुणसूत्र होती हैं वो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है मध्यावस्था के दौरान। गुणसूत्र का अध्ययन मध्यावस्था के दौरान किया जा सकता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्यावस्था पट्टिका का निर्माण करते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। जो तारक काय है उससे तर्कुतंतु निकलती है, इसे स्पिंडल फाइबर या तर्कुतंतु कहते हैं, जो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाती है। ये मध्यावस्था की बात हो गई। अब इसके बाद आता है आपका पश्चावस्था या एनाफेज। पश्चावस्था या एनाफेज, इस अवस्था में जो अभी गुणसूत्र मेटाफेज बीच में अलाइन हुई थी, उनके अर्ध गुणसूत्र, जैसे ये देखिए, ये है एक गुणसूत्र जो गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो ये गुणसूत्र है, इसका इतना भाग क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। तो अर्ध गुणसूत्र जो है ये इतना भाग अलग पोल पर चले जाते हैं और आधा भाग दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं। तो गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखेंगे, गुणसूत्र बिंदु यहां पर है,
गुणसूत्र बिंदु हमेशा ध्रुव की तरफ होता है और जो उसकी भुजाएं हैं वो मध्य केंद्र की तरफ होता है। भुजाएं केंद्र की तरफ है और जो बिंदु है वो ध्रुव की तरफ है। क्लियर बात है। ये होता है पश्चावस्था एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में जो ये गुणसूत्र अब विपरीत ध्रुव की तरफ चले गए हैं, ये देखिए सारे गुणसूत्र नष्ट, नष्ट का मतलब खत्म नहीं हो गए, वे अपना अस्तित्व खो दिए, गुणसूत्र फिर से बिखर गए। जैसे आपने धागे को रोल किया था, वे धागे फिर से खुलकर बिखर गए, तो वो गुणसूत्र बिखर जाते हैं, फिर से क्रोमैटिन जाल बन जाता है, यानी ये गुणसूत्र अब फिर से डीएनए बन जाते हैं। अब डीएनए बन गया, ये अंत्यावस्था की पहचान है, टीलोफेज की पहचान है दोनों ध्रुव पर। उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है, ये केंद्र दोनों विभाजित हो जाते हैं, दो केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं एम प्रावस्था, जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चार अवस्थाओं में केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अब जब केंद्रक का विभाजन हो गया, एम प्रावस्था हो गया, उसके बाद किसका विभाजन होगा? तो बताइए, एक कोशिका में केंद्रक का विभाजन हो गया तो अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा ना, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। इसीलिए मैंने बोला कि कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, और इसके विभाजन से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। बस यही है आपका कोशिका विभाजन। तो अब आइए एक एक अवस्था को देखते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण हम बातें घटनाएं देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूर्वावस्था की पहचान क्या है? पूर्वावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बात, अंतरावस्था की एस जी टू अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था होती है। छोड़ सकते हैं ये लाइन। दूसरा देखिए, एस व जी टू अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं। एस और जी टू अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनते हैं। ऐसी अवस्था में तारकाएं भी विभाजित होकर दो हो जाते हैं, लेकिन आपस में ये गुथे होते हैं, स्पष्ट नहीं होते। जो डीएनए बनते हैं वे गुथे होते हैं, स्पष्ट नहीं होते। मैंने क्या बताया? क्रोमैटिन के रूप में होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होता है, यानी ये जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं, क्रोमैटिन है या डीएनए है, ये संघनित होते हैं, पास पास आकर ऐसे गुणसूत्र के समान संरचना बनाना शुरू कर देते हैं, गुणसूत्र के समान संरचना बनाना शुरू कर देते हैं। तो गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन ही पूर्वावस्था की पहचान है, का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। एक लाइन ये बन गया पूर्वावस्था से संबंधित कि गुणसूत्र पदार्थ का संघनन ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन के दौरान ही डीएनए गुणसूत्र द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। देखिए, गुणसूत्र नहीं स्पष्ट हो रहे हैं, गुणसूत्र द्रव्य स्पष्ट हो रहे हैं। जो डीएनए है वो अब स्पष्ट होने लग रहा है। गुणसूत्र नहीं बने हैं अभी, पूर्वावस्था में गुणसूत्र नहीं बनता, गुणसूत्र मध्यावस्था में बनता है, जिस समय उसका अध्ययन किया जाता है माइक्रोस्कोप से। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। लिखा तो है लेकिन पूछा है ये कभी नहीं गया है। पूर्वावस्था में नहीं कहते हैं, कहते हैं कि मध्यावस्था में गुणसूत्र पूरी रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। जो गुणसूत्र है वो इस तरह से एक अर्ध गुणसूत्र और दूसरा अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बना होता है, दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, एस प्रावस्था में ही गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, उसी तरीके से तारक काय और तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुव पर चलने लगते हैं। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है। जो तारक काय हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जिसे तर्कुतंतु भी कहते हैं, जिसे एस्टर भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य का प्रोटीन भाग सहायता करता है। इस बात को अंडरलाइन करिए कि तारक काय से सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण में कौन सहायता करता है, तो क्या बताएंगे? कोशिका द्रव्य का प्रोटीन भाग। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल द माइक्रोट्यूब्यूल्स द प्रोटीनेसिस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन दिस। तो तारक काय के जो आप अभी देखे थे, दो टू होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सहायता करता है? स्पिंडल फाइबर के निर्माण में, जो गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, उसके निर्माण में कौन सहायता करता है? तो उसके निर्माण में कोशिका द्रव्य की प्रोटीन भाग लेती है। किसकी प्रोटीन भाग लेती है? कोशिका द्रव्य की। तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन भाग लेता है? कोशिका द्रव्य की प्रोटीन भाग लेती है। पूर्वावस्था के अंत में क्या होता है? पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो इसमें गाल्जी काय, अंतःपरद्रव्य जालिका, केंद्रिका, केंद्रक आवरण, ये सब नष्ट हो चुके होते, नहीं दिखाई देते। ठीक है, नहीं दिखाई देता। केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूर्वावस्था में पूछा जा सकता है कि केंद्रक आवरण किस अवस्था में विघटित हो जाता है।
तो केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे होता है वो नष्ट हो जाता है पूर्वावस्था में ही। अब आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था की प्रमुख बात कि इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं क्यों? क्योंकि केंद्रक झिल्ली तो नष्ट हो गई, तो जब केंद्रक झिल्ली नष्ट हो गई तो केंद्रक का अस्तित्व खत्म। अब जितने भी डीएनए हैं या गुणसूत्र हैं वो कोशिका द्रव्य में फैल जाएंगे। इस अवस्था में गुणसूत्र का संघनन पूर्ण हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की आकृति और अध्ययन को हम कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि गुणसूत्रों की आकृति का आकार का अध्ययन किस अवस्था में करते हैं? मध्यावस्था के रूप मध्यावस्था में करते हैं। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गुणसूत्र में देखिए ये गुणसूत्र बिंदु है, इसमें ये हो गया एक अर्धगुणसूत्र और ये हो गया आपका दूसरा अर्धगुणसूत्र। तो गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं जो गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब के आकार का रचना पाया जाता है, छोटा बिंब के आकार का रचना पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मैं आपको बताया हूं, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। और अभी पिछले वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, उसको सही कर लीजिएगा कि गुणसूत्र के काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया ना? पिछली वाली वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं था, जहां पर ऑप्शन गलत था इस वजह से मुझे भी गलत बोलना पड़ा, हालांकि मैंने शुरू में बोला ही था काइनेटोकोर, ऑप्शन देख के मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ गया। दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। अब आता है तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये लाइन हो गई मध्यावस्था की बात कि गुणसूत्र के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, किस अवस्था में? मध्यावस्था में। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्यरेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया है भर भर के, और इतना आसान मुझे लगता है। मध्यावस्था की बात आती है, मध्यरेखा की बात आती है, तुरंत मध्यावस्था लगा दो, मध्य की बात आए मध्यावस्था लगा दो। अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा होता है, वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि मध्यावस्था में जो गुणसूत्र है उसमें ये गुणसूत्र है ना, यहाँ पर दो पाई जाती हैं, स्पिंडल फाइबर सॉरी क्या कहते हैं तारक काय सेंट्रोसोम, तो इनसे निकलती है स्पिंडल फाइबर तर्कु तंतु। तो ये क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र, ये हो गया एक अर्धगुणसूत्र, ये अपने ध्रुव के इस ध्रुव के तारक काय से स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ा है, ये लाइन होगी यहां तक। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र, ये इसका संतति अर्धगुणसूत्र कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि यहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र स्पिंडल फाइबर के माध्यम से विपरीत ध्रुव के, इसका विपरीत ध्रुव ये हुआ ना, विपरीत ध्रुव के तारक केंद्र से जुड़ा होता है। देखिए इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं लाइन। तो मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका मिडिल मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण किसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मध्यावस्था में। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसके द्वारा लगे रहते हैं? तो तर्कु तंतु से किसके द्वारा लगे रहते हैं? काइनेटोकोर दिया गया है, देखो काइनेटोकोर द्वारा। ठीक है, वहां पर गुणसूत्र बिंदी बोला गया था, पिछला वाला क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है मुझे, पिछले लेक्चर वाला, उसको एकदम सही कर लीजिएगा कि आप लोग गलती ना कर दो। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या गिनने के लिए सबसे अच्छी अवस्था, अब बताइए गुणसूत्र का अध्ययन किसमें करेंगे? मध्यावस्था में। तो वही कह रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या गिनने की सबसे अच्छी अवस्था क्या होती है? मध्यावस्था। बी, अब देखिए मध्यावस्था हो गया, पश्चावस्था देख लीजिए, एनाफेज कुछ नहीं है। एनाफेज में जो गुणसूत्र मध्य रेखा पर अलाइन हुई थी, व्यवस्थित हुई थी, अब वो विभाजित होकर एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुव की ओर जाना शुरू कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये कलर नहीं मजा आ रहा। देखिए ये है कोशिका, कोशिका में गुणसूत्र इस तरह से मध्यावस्था में
मध्य रेखा पर व्यवस्थित थे, दो बनाएंगे हम, ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ दो बनाएंगे। तो गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित थे, यहां पर है तारक केंद्र अपना, ये ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है जिस पर ये तारक केंद्र पाए जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, तो पश्चावस्था में ये जो गुणसूत्र है, इनके जो अर्ध गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए ये एक गुणसूत्र का, ये एक अर्धगुणसूत्र है, ये दूसरा अर्धगुणसूत्र है, ठीक। अब ये दोनों से अलग हो जाएंगे, यानी ये अलग हो गए और ये अर्धगुणसूत्र अलग हो गए। अब सिर्फ अलग ही नहीं होते, ये इधर मूव करने लगेंगे, ये इधर जाने लगेंगे, यानी अर्धगुणसूत्र विभाजित होकर अपने अपने ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। ये होता है पश्चावस्था की अवस्था, क्लियर है। अब यहाँ पर एक सावधानी आपको रखनी है, ये है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु किस तरफ है, ध्रुव की ओर, और ये है उसकी भुजा यानी अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र किस तरफ है, केंद्र की ओर, बस इतना ध्यान रखेंगे। पश्चावस्था के आरंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं, अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, इन्हें हम अर्धगुणसूत्र डाटर क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो आप संरचना देखते हैं इसे हम डाटर क्रोमेटिड कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली नई संतति का केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। यही जो नई कोशिका होंगे ना उसी का डीएनए बनेंगे, जो हाँ जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति का गुणसूत्र बनेंगे या डीएनए बनेंगे, जो भी कह लीजिए, विपरीत ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तो प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर, देखिए गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु वही कह रहे हैं, ध्रुव की ओर होते हैं, गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होता है और गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, जो भुजाएं हैं वो पीछे होती हैं, इस बात को ध्यान रखें। गुणसूत्र बिंदु किस तरफ होता है, ध्रुव की ओर, भुजाएं पीछे की ओर। पश्चावस्था की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, मतलब घटना है, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, और दूसरा अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, क्लियर। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एनाफेज अवस्था के लिए क्या असत्य है। तो एनाफेज के लिए पहले सत्य बातें जान लो, एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु के द्वारा अलग होते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। कह रहे हैं गालजी का है अंतःप्रद्युम्न जालिका पुनः निर्मित होते हैं, तो ये तो गलत है, एनाफेज में आपने पढ़ा है नहीं ना, ये टीलोफेज की बात होती है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं, सही बात है। स्पिंडल ध्रुव आगे गति करके भिन्न हो जाते हैं, सही बात है। सेंट्रोमियर्स टूट जाते हैं, क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात गलत है, जो गालजी का है और अंतःप्रद्युम्न जालिका जो पूर्वावस्था में ही नष्ट हो गए थे वो एकदम आखिरी में अंत्यावस्था यानी टीलोफेज में फिर से निर्मित होते हैं, ठीक। तो ये अंत्यावस्था की घटना है यानी टीलोफेज की घटना है, एनाफेज की घटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, गुणसूत्र दोनों ध्रुव की ओर किस अवस्था में जाते हैं, पूर्व एनाफेज में, पश्चावस्था में, देख लीजिए ऑप्शन सी। अब आता है अंत्यावस्था या टीलो फेज। अब देखिए अंत्यावस्था या टीलो फेज कितना आसान हो गया, कुछ नहीं है, सारे के सारे गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच गए ना, अर्धगुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच गए, ये हो गया पश्चावस्था। अंत्यावस्था में ये जो गुणसूत्र हैं विघटित होकर क्रोमैटिन बना लेते हैं। देखिए जो विपरीत ध्रुव पर एकत्रित हुए गुणसूत्र हैं उनका पृथक पहचान समाप्त हो जाता है, यानी ये जो गुणसूत्र के रूप में है ना, अब ये गुणसूत्र के रूप में नहीं रहेंगे, ये डीएनए के रूप में हो जाते हैं, ठीक, ये डीएनए के रूप में हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, इस तरह से विघटित नहीं कहेंगे, चेंज हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, विघटित का मतलब नष्ट होना होता है। तो गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब इनके चारों तरफ क्या होगा, झिल्ली का निर्माण होगा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा, इनके बीच केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रिका गालजी का है अंतःप्रद्युम्न जालिका जो कोशिका द्रव में पाई जाती है वो फिर से पुनर्निर्माण होगी, जो अभी क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था ना कि एनाफेज की अवस्था दे दी गई थी। केंद्रिका गालजी का है अंतःप्रद्युम्न जालिका कोई भी कोशिकांग है वे अंत में अंत्यावस्था में ही पुनर्निर्मित होती हैं। गायब किस अवस्था में होती है, शुरुआत में ही, जीवन में नहीं, पूर्वावस्था में, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी घटना टीलोफेज का विशेषीकृत लक्षण नहीं है। तो टीलोफेज का विशेषीकृत लक्षण नहीं है, तो पहले यह जान लो कि टीलोफेज में होता क्या है, विपरीत ध्रुव पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं, गुणसूत्रों का पृथक पहचान समाप्त हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है और केंद्रिका गालजिका या अंतःप्रद्युम्न जालिका का पुनर्निर्माण होने लगता है। देख लीजिए गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर माइटोटिक गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यहां पर यह सही होगा,
क्योंकि गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं गुणसूत्री पदार्थ, नहीं ये नहीं होगा, गुणसूत्र पदार्थ संग्रहित होकर गुणसूत्र थोड़े बनाते हैं, गुणसूत्र विघटित होकर गुणसूत्री पदार्थ बना लेते हैं, इसका उल्टा होना चाहिए था, तो ये गलत होगा, हमें लक्षण नहीं बताना है। न्यूक्लियोलस गाल्जी का कॉम्प्लेक्स ईआर का पुनर्निर्माण होता है, ये तो सही बात है होता है। क्रोमोसोम समूह के चारों ओर न्यूक्लियर आवरण का निर्माण हो जाता है क्रोमोसोम समूह के ऊपर, ये सही है, क्योंकि गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्र झिल्ली का निर्माण अंत्यावस्था की पहचान है। सेंट्रोमियर्स टूटते हैं तथा क्रोमैटिड्स पृथक होते हैं, तो क्रोमैटिड्स पृथक होते हैं एनाफेज में, टीलोफेज में नहीं, तो टीलोफेज का ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्रोमोसोम समूह विपरीत स्पिंडल ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं और पृथक तत्व के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सही बात है। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं तो उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वे गुणसूत्र गुणसूत्री पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इसमें ये दो पॉइंट आपके गलत है, ए और डी, ए बी डी या केवल ए और डी, ऑप्शन बी सही होगा। शीर्ष मेरिस्टम में कोशिका विभाजन के समय नाभिकीय झिल्ली पुनः दिखाई देती है, नाभिकीय झिल्ली किसमें दिखाई देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें दिखाई देता है, अंत्यावस्था टीलोफेज में, ढूंढ डालिए, देखिए बी ऑप्शन टीलोफेज में। अब देखिए ये केंद्रक का विभाजन हो गया, आपने संपूर्ण बातें केंद्रक के विभाजन से पढ़ लिया कि केंद्रक के विभाजन में क्या होता है, पूर्वावस्था मध्यावस्था पश्चावस्था और अंत्यावस्था में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। केंद्रक का विभाजन हो गया, केंद्रक के बाद अब किसका विभाजन होना है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना है, तब जाकर दो कोशिका बनेगी। तो आता है कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में पृथक्करण, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, इस प्रक्रिया को ही कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका स्वयं दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, देखें अगर प्राणी की कोशिका यानी जंतु की कोशिका है तो जंतु की कोशिका में क्या होता है, देखिए एक कोशिका है इसका केंद्रक विभाजित हो गया तो जंतु की कोशिका में बीच से संकीर्ण उत्पन्न होता है, खांच उत्पन्न होता है और ये खांच बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते गहरा होकर ये यहीं से अलग हो जाता है और दो कोशिका बन जाती है। इस खांच को कहते हैं फुर्रो, इंग्लिश में कहते हैं फुर्रो, तो ये एनिमल सेल्स में होता है, चूंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसलिए ऐसा होता है कि जंतु की कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक खांच बनता है जो गहरा होता है, होते होते ये दोनों कोशिकाओं को अलग कर देता है। जैसे आपने देखा होगा एक विभाजित होती हुई कोशिका को, मान लो ये कोशिका है ऐसे बीचों बीच से संकीर्ण उत्पन्न होगा और ये ऐसे बीच में चला जाएगा और दोनों कोशिका अलग हो जाएगी, तो इसी तरीके से ये काम होता है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। पौधों में जो कोशिका है उसका केंद्रक विभाजन होने के बाद बीच से केंद्र से कोशिका प्राथमिक कोशिका भित्ति उत्पन्न होती है जो जाकर इनकी बाहरी कोशिका भित्ति से मिलकर अलग कर देती है कोशिका विभाजन को। बस ये अंतर याद रखना कि जंतु कोशिका में प्राणी कोशिका में जीव द्रव्य कला में एक खांच उत्पन्न होता है, खांचों के लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए ये शुरुआत होता है प्राणी कोशिका में परिधि से केंद्र की तरफ, लेकिन पौधे की कोशिका में उल्टा है, केंद्र से शुरू होता है और परिधि की तरफ जाता है। यद्यपि पादप कोशिका जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिका में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होती है, देखिए इसमें केंद्र से शुरू होती है और बाहर की तरफ होती है, और पौधों की कोशिका में बाहर से केंद्र की तरफ जाकर मिलते हैं, इसमें पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि किस प्रकार की कोशिका में कोशिका द्रव्य के विभाजन में सेल प्लेट का निर्माण होता है, तो सेल प्लेट का निर्माण होता है पौधों की कोशिकाओं में। जो दो सूत्री सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाती है, यही आगे चलकर मध्य पटलिका बनाती है, यानी दो आपस में कोशिकाओं को जो जोड़ने वाली संरचना होती है उसे मध्य पटलिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक का दो संतति में विभाजन होता है, यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया लवक ये सभी हैं जिनको बराबर बराबर मात्रा में
कोशिकाओं को जाना है, देना है, तो इनकी संख्या पहले डबल होती है, फिर आधी आधी बढ़ जाती है। कुछ जीवों में केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं, देखिए कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो G1 एस G2 M से होते हुए, G1 गई, G2 S गई, फिर G2 गई, फिर M प्रावस्था की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज भी गई, इतना तो कर ली, अंतरावस्था भी होगी, पूरी प्रोफेज भी हो लिया, मेटाफेज भी हो लिया, एनाफेज भी हो लिया, टीलोफेज भी हो लिया, लेकिन अब ये साइटोकाइनेसिस नहीं कर पाई, यानी इनका कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाया। तो बताइए, एक कोशिका थी G1 एस G2 में गई, तो एम प्रावस्था में जब आई तो इसका केंद्रक विभाजित हो गया ना, एम प्रावस्था का मतलब ही होता है केंद्रक का विभाजन, तो केंद्रक तो विभाजित हो गया, एक केंद्रक था, दो केंद्रक हो गया, लेकिन कोशिका द्रव विभाजन नहीं हो पाया, यानी ये बीच से विभाजित नहीं हो पाई। तो बताइए, ऐसी कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक हो गया कि नहीं हो गया, दो केंद्रक हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसी कोशिका को कहते हैं संकोशिका, सिनकाइटियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक होती हैं, ऐसी कोशिकाओं को सिनकाइटियम या संकोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? नारियल का तरल भ्रूणपोष, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो आप नारियल पानी पीते हो उसी को कहते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो कि मल्टी न्यूक्लियट होता है, एक से अधिक केंद्रक उसमें पाए जाते हैं। तो जीवों में केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता, इसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं, ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि वो कोशिका जिसमें एक से अधिक केंद्रक होती है क्या कहलाती है, संकोशिका या सिनकाइटियम कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण है नारियल का तरल भ्रूणपोष, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माइटोसिस में एक अवस्था जो एनाफेज के मध्य की ओर से प्रारंभ होकर टीलोफेज के साथ समाप्त हो जाती है, तो टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन संपूर्ण रूप हो जाता है और टीलोफेज के अंत में ही कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है, यानी कोशिका का केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दोनों अलग हो जाते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, एनाफेज तक कैरियोकाइनेसिस, फिर टीलोफेज तक कैरियोकाइनेसिस पूर्ण और फिर साइटोकाइनेसिस भी पूर्ण, यानी हम क्या कहते हैं अभी अथवा में देखिए लिखा हुआ है केंद्रकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है, कुछ नहीं, इसको देखो ही मत, सीधे लगाओ G1 S G2 M ढूंढ डालो, G1 S G2 M ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम है, तो देखिए सबसे पहले संघनन होता है, बिल्कुल सही बात है, गुणसूत्र का संघनन होता है, संघनन लिख लीजिए, फिर गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं, मध्यरेखा की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, देखिए केंद्रक झिल्ली का विघटन, केंद्रक झिल्ली का विघटन तो संघनन के बाद होता है, सही बात है। जीन विनिमय, तो ये सूत्री विभाजन की बात की गई है, तो सूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता ही नहीं है, जीन विनिमय तो अर्ध सूत्री विभाजन में होता है। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए संघनन, केंद्रीय झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, सही बात है, मेटाफेज में आ जाएगा। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, सही बात है, फिर पृथक्करण होता है और अंत्यावस्था, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसके बाद आप किसी भी ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा, जैसे जीन विनिमय इस पे भी दिखाई दे रहा है, तो जीन विनिमय समसूत्री विभाजन में नहीं होता, वो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। डी वाले ऑप्शन में संघनन है, मध्य रेखा पर व्यवस्था है, लेकिन केंद्रक की झिल्ली का विघटन हटा दिए हैं, तो ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हुआ। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, देखिए सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व होता है वृद्धि में, जीवों की वृद्धि या कोशिका जो क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी मरम्मत में समसूत्री विभाजन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं समसूत्री विभाजन की वजह से होते हैं। अब हम संतान उत्पन्न करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण होता है अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन अभी हमने अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा नहीं है या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा नहीं है, तो हम अभी उसके महत्व की चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी पढ़े हैं समसूत्री विभाजन के बारे में, तो हम सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे कि हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, और किसके माध्यम से, समसूत्री विभाजन के माध्यम से कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं, जिससे कोशिका शरीर की वृद्धि होती है।
सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। कुछ निम्न श्रेणी के प्राणी जैसे मैंने क्या बताया, नर मधुमक्खी, ड्रोन में, कीटों में, कीट मतलब नर मधुमक्खी में आगुणित कोशिकाएं में सूत्री विभाजन होता है, तो वहां पर लिख लीजिए। बहुकोशिकीय जीव धारण को वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बीच का जो अनुपात है, कोशिका वृद्धि के दौरान केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का जो अनुपात है कि चीजें कितनी कितनी पाई जानी चाहिए, वो अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सूत्री विभाजन होता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है, यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं सूत्री विभाजन के द्वारा मरम्मत करती हैं। जैसे अधिचर्म की ऊपरी सतह, यानी हम ही लोगों की इपिडर्मिस की ऊपरी सतह या सभी प्राणियों की अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, हमारे आहार नाल यानी एलिमेंट्री का नाल जो मुंह से लेकर गुदा तक की होती है, उसकी भीतरी सतह में भी परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस आते रहती हैं। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स निरंतर प्रतिस्थापित होती है। आपको पता है कि रक्त कोशिकाएं 120 दिन तक ही जीवित होती हैं, 120 दिन के बाद वो विभाजित होकर दो अन्य कोशिकाएं बना देती हैं, ठीक, यानी रक्त कोशिकाओं का जीवन काल RBC का 120 दिन होता है। क्वेश्चन आता है समसूत्री विभाजन किन जीवों में पाई जाती है, अभी बताया था समसूत्री विभाजन आगुणित द्विगुणित दोनों में पाया जाता है, सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन ही द्विगुणित जीवों में पाया जाता है। ऑप्शन सी देखिए, दोनों ए और बी, ए आगुणित और द्विगुणित, ऑप्शन सी। माइटोसिस का लक्षण नहीं है, तो माइटोसिस में वही चीज नहीं होगा जो मियोसिस में होगा। मियोसिस में क्या होता है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान। तो देखिए जीन विनिमय, अब देखिए मियोसिस में भी अलग अलग स्टेज होती है। मियोसिस फर्स्ट में होता है पूर्वावस्था में लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। तो देखिए लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस ये सब मियोसिस के लक्षण है, अर्धसूत्री विभाजन के है, माइटोसिस का नहीं है, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। अब आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब देखिए आपका आता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी है, जो भी समसूत्री विभाजन में अवस्थाएं आपने पढ़ी है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था की, उसको एकदम जुबान पर रट लीजिएगा, वही सारी अवस्थाएं आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इस बात को मन में बिठा लीजिए। जो अंतर आपको मिलेगा वो सिर्फ पूर्वावस्था में मिलेगा। पूर्वावस्था जैसे आपका क्या कहते हैं समसूत्री विभाजन में आपने जो पढ़ा है, वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन में, लेकिन थोड़ी जटिलताएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट को 5 अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है, बस इतना एक्स्ट्रा आपको अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ना है, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्यरेखा पट्टिका में व्यवस्थित हो जाती है, इसमें भी वही है। पश्चावस्था में ध्रुव की ओर जाने लगती है, इसमें भी वही है। अंत्यावस्था में केंद्रक झिल्ली बनने लगती है, इसमें भी वही है। सारी अवस्थाएँ वैसे ही हैं, जो चेंज है वो सिर्फ पूर्वावस्था में है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है। आपको ये पता है कि अर्धसूत्री विभाजन दो बार होते हैं, इसमें विभाजन दो बार होती है, फर्स्ट और सेकंड जिसे कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका होती है उसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी द्विगुणित अवस्था होती है। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी एक बार होगा पूर्वावस्था फर्स्ट, फिर मध्यावस्था फर्स्ट, फिर पश्चावस्था फर्स्ट और फिर अंत्यावस्था फर्स्ट, उसके बाद दो गुणसूत्र बनेंगे। इन गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, एक बात यह होगी। अब इनमें जो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होगा, इनमें सेकंड अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट होगा, तब गुणसूत्रों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी एक ही बार आधा होगा गुणसूत्र की संख्या, दोबारा नहीं होगा। मियोसिस सेकंड में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, जो इनके पास है वही इनके पास जाएगा, NNNN, यानी आगुणित ही बनेंगे। 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन दो बार विभाजन होती है। यानी इसमें भी देखिए मियोसिस फर्स्ट है ना, तो इसमें आएगा आपका प्रोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट, ठीक, नंबरिंग कर देंगे फर्स्ट से। अब जब मियोसिस सेकंड होगा तब उसमें आप लिखेंगे प्रोफेज सेकंड,
मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, बस इतना अंतर होगा समसूत्री विभाजन से और अर्धसूत्री विभाजन से। दूसरा अंतर आपने ये जान लिया कि इसमें प्रथम विभाजन में ही अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या, लेकिन जो दूसरी अर्धसूत्री सेकंड जो होता है वो समसूत्री के समान होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी विभाजन समसूत्री के समान है, तो क्या कहेंगे अर्धसूत्री सेकंड विभाजन समसूत्री विभाजन की तरीके से ही होता है। क्लियर है बातें, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो होता है वो अर्धसूत्री फर्स्ट में ही हो जाता है आधा, सेकंड में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात कि यहां पर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज जो आपने समसूत्री में पढ़ा है वैसे ही अवस्थाएं आपको देखने को यहां पर भी मिलेगी, वही चीजें वहीं पर वही घटनाएं यहां पर मिलेगी। अंतर जो सबसे बड़ा आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। प्रोफेज फर्स्ट को भी पांच अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोफेज फर्स्ट को पांच अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लैप्टोटीन, हम तो यही कहेंगे आप इंग्लिश में याद करिएगा, ठीक है हिंदी में छोड़ दीजिएगा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, पांच अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। इन सभी को आपको एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए। आपने क्या जाना कि अर्धसूत्री विभाजन में दो बार विभाजन होता है, अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री द्वितीय, याद हो गया। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, द्वितीय में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि अर्धसूत्री द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट होता है, सेकंड में वही चीजें सेकंड हो जाती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट में यानी पूर्वावस्था प्रथम को पांच अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। हिंदी छोड़ दीजिएगा, बहुत बुरा नाम है, स्थूल पट, युग्म पट, पारगति क्रम, ये सब मत पढ़िएगा परेशान हो जाएंगे, इंग्लिश याद कर लीजिए। पांच फेज होते हैं प्रोफेज फर्स्ट के, कौन कौन से? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कितना आसान है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, याद करिए। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पांच अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर है, इतनी बात पढ़ लिया आपने। आइए अब आते हैं हम महत्वपूर्ण बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था एकदम जैसे समसूत्री में वैसे ही असूत्री विभाजन में वही चीजें हैं। सावधानी सिर्फ आपको पूर्वावस्था प्रथम में रखनी है जिसके पांच फेज हैं अलग अलग, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन्हीं में से खूब क्वेश्चन भर भर के नीट में पूछा जाता है, क्योंकि यही अंतर है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं, आपने पढ़ा है मियोसिस भी कहते हैं, या इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली आगुणित हैप्लॉइड संतति कोशिका, यानी इससे जो संतति कोशिका बनती है वो हैप्लॉइड होती है, आगुणित होती है, एन अवस्था होती है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? याद रखिए युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं, नर में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है, तब वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको बताया जाएगा। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित अवस्था यानी युग्मक जनन के द्वारा जो युग्मक बनते हैं, जो हमेशा आगुणित होते हैं, याद कर लीजिए युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, बनते हैं, एवं निषेचन द्वारा फिर द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में युग्मक जनन के द्वारा आगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। अब देखिए युग्मक जनन में नर में क्या होगा? शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु बनेगा यानी नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक
अब देखिए शुक्राणु नर युग्मक है ना, तो यह आगुणित होगा। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसमें अंडाणु भी मिलेंगे, यानी मादा में अंडाणु जन्म की प्रक्रिया में मादा युग्मक अंडाणु बनेगा। अंडाणु भी क्या होगा, चूंकि युग्मक है आगुणित होगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, द्विगुणित। देखिए n यहां से और n यहां से, n प्लस n क्या होगा, 2n होगा कि नहीं होगा, तो द्विगुणित अवस्था फिर से पुनः अवस्थापित हो जाती है निषेचन के द्वारा। किसके द्वारा, निषेचन के द्वारा। निषेचन की प्रक्रिया यही होती है, शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलना, जिसके दौरान द्विगुणित युग्मनज का विकास होता है, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बातें। आगे देखिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में के दौरान केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। इस विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति सिर्फ एक बार होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। डीएनए की प्रतिकृति सिर्फ एक बार होगी, वही एस प्रावस्था में जो होती है वही होगी यहाँ पर भी। यानी ये भी कहाँ से निकलेगा, G1, S, G2 और फिर मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक। अब देखें अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन, नहीं एक मिनट ये भूल गया, एस प्रावस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनते हैं के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। यानी एस अवस्था में जो पैतृक गुणसूत्र हैं वो डबल हो जाती हैं, यानी उसकी प्रतिकृति होती है, यानी गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ती है, सिर्फ डीएनए की मात्रा बढ़ती है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन पुनर्योजन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का पेयरिंग होता है, पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए प्रथम। एक मिनट, हाँ जी सही है, ये यहाँ पर सेकंड दे दिया है वो गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। अर्धसूत्री प्रथम में होता है, सेकंड में पेयरिंग नहीं होता, फर्स्ट में ही आपका आता है जब प्रोफेज फर्स्ट, लैप्टोटिन जाइगोटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस ये सभी अवस्था, तब उसी के दौरान पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन होता है, सेकंड में नहीं होता, फर्स्ट में होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में चार आगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो ये बात आपको पता चल गई, अभी ऊपर बताए हैं। अब आते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन में इसकी अवस्थाओं में। तो देखिए हमने आपको बताया मैंने कि अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम में चार अवस्था है, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। उसी तरीके से अर्धसूत्री सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, बस यही होता है। जो अवस्थाएं आपने देखी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, समसूत्री विभाजन में पढ़ा था ना, वही अर्धसूत्री विभाजन में है, सेम वैसे ही है। थोड़े अंतर तो मिलेंगे भाई, तभी तो दो अलग अलग प्रकार के कोशिका विभाजन है। तो दो अंतर जो मिलेगा वो पूर्वावस्था प्रथम में बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पूर्वावस्था प्रथम में यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपके पांच स्टेज हैं, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकीटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब देखिए फिगर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर एक चक्कर आप देख लीजिए होता क्या है, यह आपका मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है और यह आपका मियोसिस सेकेंड है। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट होती है, तो पूर्वावस्था फर्स्ट में पांच स्टेज होते हैं, पांचों स्टेज का फिगर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो देखने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज़ें हैं मैं आपको समझा दूंगा, मुझवानी यहाँ पर दिखा दूंगा, लैप्टोटिन और जाइगोटिन, डिप्लोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ये क्रम वाइज आप याद करिएगा, इसका भी एक क्रम होता है, सबसे पहले लैप्टोटिन आता है, फिर जाइगोटिन, फिर पैकेटिन, फिर डिप्लोटिन, फिर डायकाइनेसिस। तो पूर्वावस्था में पांच स्टेजेस होते हैं, जिसमें गुणसूत्र आपस में जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे मनुष्य में XX गुणसूत्र मादा में पाई जाती है ना, तो ये दोनों आपस में आकर युगल बनाते हैं, सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उस दौरान कियाज्मा बनता है, कियाज्मा का फिर टर्मिनाइजेशन होता है और अंततः गुणसूत्र अपने समजात गुणसूत्र पेयरिंग बनाते हैं। मध्यावस्था फर्स्ट में फिर वही चीज़ें जो आपने समसूत्री में पढ़ा था कि गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र हैं वो मध्यावरेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था फर्स्ट में वही चीज़ें कि जो समजात गुणसूत्र हैं वे एक दूसरे से अलग होकर ध्रुव की तरफ मूव करने लगते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ये भी आपने समसूत्र में पढ़ा था। बस अंतर क्या है कि वहाँ पर अर्ध गुणसूत्र जाते थे, यहाँ पर पूरा गुणसूत्र जाता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर अंत्यावस्था में केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र अपना व्यवस्थित हो जाते हैं।
उसके बाद लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र का विघटन नहीं होता, जैसे उसमें होता था कि गुणसूत्र विघटित होकर गुणसूत्री पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन इसमें नहीं, ऐसे ही गुणसूत्र बने रहते हैं। इसी के दौरान अंत्यावस्था फर्स्ट के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है अर्धसूत्री सेकंड, जिसमें पूर्वावस्था सेकंड आता है। इसमें भी कोई खास बात नहीं है, जो इसमें थी वो इसमें नहीं है, इसमें भी वही गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं और फिर मध्यावस्था रेखा पर व्यवस्थित होने को तैयार होते हैं। मध्यावस्था में फिर से गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था सेकंड में जो गुणसूत्र हैं वह एक दूसरे से अलग होकर दूर चले जाते हैं, फिर वही चीज़ और हैप्लॉयड आपके चार कोशिकाएँ बन जाती हैं अंत्यावस्था सेकंड के अंतर्गत। क्लियर है? तो मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जूझने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समसूत्री में पढ़ चुके हैं। जो पढ़ना है आपको पूर्वावस्था फर्स्ट में ही पढ़ना है, क्योंकि पूर्वावस्था फर्स्ट में पांच अलग स्टेज हैं, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। आइए शुरू करते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना, अगर हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना अगर हम अर्धसूत्री विभाजन सॉरी समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। अगर इससे हम कहिए तो ये अधिक लंबी और जटिल होती है। मैंने क्या बताया आपको, यही तो अंतर बताया मुख्य रूप से कि समसूत्री की जो पूर्वावस्था है बड़ी आसान है, गुणसूत्र का संघनन होता है, गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं और क्या कहते हैं गालजिका ये सभी विघटित होने लगते हैं। लेकिन इसका जो है गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का जो पूर्वावस्था है वो थोड़ी लंबी प्रावस्था है, जटिल प्रावस्था है, क्योंकि इसकी पाँच स्टेज हैं। कौन कौन सी स्टेज हैं? लैप्टोटीन है, फिर उसके बाद जाइगोटीन है, फिर उसके बाद पैकीटीन है, याद करते चलिए, पैकीटीन है, उसके बाद आपका आता है डिप्लोटीन, उसके बाद आता है आपका डाइकाइनेसिस। बताइए याद हो गया पांच स्टेज। अब बताइए इतने स्टेज होने में तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तो समसूत्री विभाजन का जो पूर्वावस्था है उस वो तो बहुत नॉर्मल था, गुणसूत्र का संघनन होता है, लेकिन इसमें देखिए पाँच स्टेज अलग अलग हैं तो ये इससे ज़्यादा लंबा है। अर्धसूत्री प्रथम की जो पूर्वावस्था है समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से काफ़ी लंबी और जटिल होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किसकी प्रोफेज अवस्था अधिक लंबी होती है, अब बताने की जरूरत है, तुरंत बताओगे अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज सबसे लंबी होती है क्योंकि उसके पांच स्टेज होते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्रोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन ऑप्शन बी। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे पांच प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। तो जो प्रोफेज है उसको अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको पांच विभागों में विभाजित किया गया है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। तो ये पट्ट वट्ट वाला हमें नहीं लगता कि आप पढ़ पाओगे, याद रह पाओगा, मत करना, हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, हिंदी है हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है मानते हैं, लेकिन उसकी इतनी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो आप हिंदी थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इंग्लिश याद करिएगा। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस सीरियल वाइज याद करिएगा, पहले कौन आएगा लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। अब देखिए डी डी को साथ में रख देना, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस लास्ट में आएंगे, बीच में आपका आएगा पैकेटीन और ऊपर लैप्टोटीन फिर जाइगोटीन। आइए खास बात देखते हैं कि क्या क्या होता है, लैप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके भर भर के नीट में पूछे जाते हैं। लैप्टोटीन को देखिए, लैप्टोटीन में इस अवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं क्योंकि क्रोमेटिन के रूप में था, डीएनए के रूप में था, अब ये स्पष्ट होना शुरू होंगे। गुणसूत्रों का संघनन यानी कॉम्पैक्शन, संघनन नहीं कहते संघनन कहते हैं, संघनन यानी जो डीएनए था जो अभी बिखरा हुआ था वो व्यवस्थित होकर गुणसूत्र के रूप में बदलने वाला है, तो वो लगता है कि जैसे उसके संघनन हो रहा है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज द मेन की ऑफ लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन की प्रमुख अवस्था में दो चीज़ें हैं, एक तो गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं और दूसरा ये गुणसूत्रों का संघनन शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था में होता है, तो गुणसूत्रों का संघनन लैप्टोटीन में होता है अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रथम में, तो प्रोफेज फर्स्ट में ऑप्शन ए। किस अवस्था में क्रोमोसोम पतले धागे के समान दिखाई देते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमोसोम पतले धागे के समान होते हैं, इसे कहते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो होता है वो लैप्टोटीन में ही होता है, वही क्रोमैटिन धीरे धीरे संघनित होने लगता है और गुणसूत्र के रूप में बदलने वाला होता है। तो क्रोमोसोम पतले और धागे के समान दिखाई देते हैं किसमें, लैप्टोटीन या प्रोफेज फर्स्ट में। तो देख लीजिए कहां दिया है, लैप्टोटीन ऑप्शन ए। अब देखिए आप ऑप्शन खुद देखिए, क्या यहां पर कहीं स्थूल पट्ट, युग्म पट्ट, पारगति क्रम इन सब की बात की गई है,
नहीं ना, इंग्लिश में ही आपको हिंदी लिख दिया गया है, जाइगोटीन हिंदी में लिख दिया गया है, तो आप केस वेस करोगे जिंदगी बीत जाएगा, इससे अच्छा आप इंग्लिश ही पढ़ डालो। दूसरी फेज आती है जाइगोटीन, यानी देखिए लैप्टोटीन में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लैप्टोटीन की दो खास बात है कि क्रोमैटिन धागे के रूप में होती है वहाँ पर और गुणसूत्र का संघनन होने लगता है, बस दो बात है लैप्टोटीन में। जाइगोटीन को देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाइगोटीन में जो समजात गुणसूत्र हैं वे आपस में पेयरिंग करने लगते हैं, यानी जो पेयरिंग होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं सूत्र युग्मन सिनैप्सिस। खूब पूछा जाता है कि सिनैप्सिस किस में होता है, तो सिनैप्सिस होता है जाइगोटीन में। सिनैप्सिस किस में होता है, जाइगोटीन में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 बराबर होते हैं, दो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, मादा में XX होता है और नर में XY होता है। तो ये समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी X और X ये समजात गुणसूत्र हैं। तो जब ये X और X आपस में आकर ज्वाइंट हो जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं सिनैप्सिस, सूत्र युग्मन, और इससे वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी ये आपस में संबंधित एक समान गुणसूत्र जो होते हैं वे आपस में पेयरिंग करने लगते हैं। तो पेयरिंग किस में होता है, गुणसूत्रों का युग्मन किस में होता है, जाइगोटीन में। युग्मन को कहते क्या है, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस में कौन आता है, समजात गुणसूत्र। अब देखिए इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी करने पर गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने क्या बताया, एक गुणसूत्र ये है एक्स गुणसूत्र, ठीक है, दूसरा गुणसूत्र ये है। अब ये समजात गुणसूत्र हुए ना, तो जाइगोटिन की विशेषता क्या है कि ये दोनों आपस में पास आएंगे, पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग के दौरान इनके अर्ध गुणसूत्र के बीच क्या होता है, जुड़ाव बन जाता है। अब ये 3D फिगर बनेगा, तो हम 3D तो दिखा नहीं पाएंगे आपको, थोड़ी कोशिश करते हैं। ये दोनों गुणसूत्र पास पास आके पेयरिंग कर लेते हैं और इनके बीच में बन जाता है, इनके बीच में बनता है सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनके बीच बहुत धागे से आपस में इस तरह से जुड़े हुए लगते हैं ये आपस में, यहाँ पर 3D है, अब यहाँ पर भी ये आपस में नीचे वाले से जुड़ेंगे, ठीक। ये आपस में नहीं जुड़े हैं, ये नीचे वाले से जुड़े हैं गुणसूत्र से, तो इनके बीच सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसी को कहते हैं सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, पेयरिंग होगा तभी दोनों पास आएंगे, और इनको पेयरिंग कहाँ होगा, कब होगा, जाइगोटीन में। दूसरा, पेयरिंग को कहते क्या है, सिनैप्सिस। तीसरा, जब पेयरिंग होगा तभी तो सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी दो गुणसूत्र के बीच में हम पेन को रख दिए, तो पेन क्या है, ये सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो जब पेयरिंग होगी तभी तो सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये भी सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनैप्सिस, युग्मन, समजात गुणसूत्र का बनना, ये सब जाइगोटीन की विशेषता है। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र द्वारा होता है उसे युगली, इन्हें बाइवैलेंट कहते हैं, या फिर इसे हम टेट्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3D फिगर जब आप देखेंगे तो इसके जैसे लगेगा एक पंखे के ऊपर एक पंखा रख दिया गया जिसके चार पंख हैं, ठीक। तो टेट्राड का फॉर्मेशन भी किसमें होता है, जाइगोटीन में। पूर्वावस्था फर्स्ट की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पटावस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा लैप्टोटीन जाइगोटीन, लैप्टोटीन और जाइगोटीन ये कम अवस्था वाली हैं, पैकेटीन थोड़ी ज़्यादा अवस्था लेती है, यानी सीधे यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि पैकेटीन किन दोनों अवस्थाओं से ज़्यादा लंबी होती हैं, तो बताएंगे कि पैकेटीन किन दो अवस्थाओं से ज़्यादा लंबी होती हैं, लैप्टोटीन और जाइगोटीन से, यहाँ क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में क्रोमेनिमेटा युगली गुणसूत्र, युगली की तुरंत बात आए, तुरंत मन में क्या आएगा, जाइगोटीन। पेयरिंग, युगली जिसे सिनैप्सिस कहते हैं, यानी सिनैप्सिस की भी प्रक्रिया किसकी विशेषता है, जाइगोटीन की। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसकी विशेषता है, जाइगोटीन की। क्लियर है बातें, तो ये देखिए युगली की बात कर दिया, युगली गुणसूत्र तुरंत लगा दीजिए जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम बनने के पश्चात सिनैप्सिस की क्रिया, जैसे सिनैप्सिस देखो तुरंत मार दो जाइगोटीन, देखिए सिनैप्सिस क्या आएगा, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन नहीं दिया गया है, प्रोफेज फर्स्ट दिया गया है, तो प्रोफेज फर्स्ट मार देना, देख लो।
अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था के दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी आ गया तो जाइगोटिन देख लीजिए ऑप्शन बी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस प्रक्रिया में निर्मित होती है, फिर वही बात जाइगोटिन या जाइगोटिन नहीं दिया है तो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट में ऑप्शन ए। नेक्स्ट मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होमोलोगस गुणसूत्र, जैसे समझात गुणसूत्र की बात आए, समझात गुणसूत्र, युग्मन, सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तुरंत लगाओगे जाइगोटिन, ऐसे लिख लो, ये सब शॉर्ट फॉर्म में आपको बनाना है, ठीक है। आप जितना शॉर्ट बना बना के पढ़ोगे उतना ही आसान रहेगा। अभी आपने सिर्फ दो प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी आपने पढ़ा, लैप्टोटीन, तो लैप्टोटीन में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, क्या था, एक गुणसूत्र का संघनन है, गुणसूत्र संघनन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बनाते चलें, लिखते चलें, जिससे जितना शॉर्ट पढ़ेंगे उतना ही आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लैप्टोटीन में गुणसूत्र का संघनन और क्रोमैटिन स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिन धागा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक दो पॉइंट। उसके बाद जाइगोटिन में आप बनाओ फटाफट कि जाइगोटिन में क्या होता है, युग्मन, जैसे युग्मन शब्द दिखे जाइगोटिन मारो, और उसके बाद अगर आपका सिनेप्सिस दिखे तो सिनेप्सिस प्रक्रिया भी किस में होती है, इसी में होती है, तुरंत मार दो। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तुरंत लगा दो, समझात गुणसूत्र की बात की जाए तुरंत लगा दो, बस इतना शॉर्ट में आपको, इतना शॉर्ट से ज़्यादा और क्या चाहिए। अब इतना शॉर्ट आपको बस याद रखना है कि कौन कौन सी घटना किस किस क्रम में होती है। अब आते हैं पैकेटिन में, जो कि थोड़ी लंबी अवस्था होती है। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो हर बार पूछा जाता है। देखिए इस उदाहरण के द्वारा युगली गुणसूत्र के चार अर्ध गुणसूत्र चतुष्क अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि ये विशेषता है जाइगोटिन की, युगली गुणसूत्र का बनना, टेट्राड का बनना, ये विशेषता जाइगोटिन की है। हाँ स्पष्ट दिखाई देने लगता है स्थूल पट्ट में। अब इसकी जो मुख्य बात है वो ये देखिए, इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किस में बनते हैं, पैकेटिन में, जहां पर समझात गुणसूत्रों के जो असंतति गुणसूत्र हैं, अर्ध गुणसूत्र हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, विनिमय, जीन का विनिमय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन विनिमय किस में होता है, पैकेटिन में, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटिन में। अब ये जीन विनिमय होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो अभी देखिए, विनिमय दो समझात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इस बात को पहले याद करिए तब हम समझाएंगे, पहले याद कर लेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगे। क्रॉसिंग ओवर या दो गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, पैकेटिन में। ये क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता क्या है, आनुवंशिक पदार्थों का अदला बदली होता है। अब देखिए ये होता क्या है एक्चुअल में, अभी मैंने आपको बताया कि दो समझात गुणसूत्र आते हैं, ठीक है, वो आपस में पेयरिंग करते हैं, ये सब विशेषता है जाइगोटिन की। पैकेटिन की विशेषता क्या है कि मान लो कि अगर इनका ये अनुवंशिक पदार्थ है, ब्लू कलर से मैं बना दे रहा हूं, अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, याद करिए क्रॉसिंग ओवर होता है अनुवंशिक पदार्थ का अदला बदली, तो ये जो है अनुवंशिक पदार्थ ही तो है, डीएनए ही तो है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन से, अभी जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं ये डीएनए ही है। अब देखिए ये इसका डीएनए हो गया, इस वाले एक्स क्रोमोसोम का, अब देखिए इस वाले एक्स क्रोमोसोम का हम डीएनए को हम पीले रंग से बना देते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, बस उसी को समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर में दो जो समझात गुणसूत्र होते हैं उनके अर्ध गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब इसको समझिएगा, दो समझात गुणसूत्र कौन कौन से हैं, देखिए एक ये समझात गुणसूत्र, ये के दोनों असमझात गुणसूत्र है ना, तो इनका ये अर्ध गुणसूत्र है ना, अर्ध गुणसूत्र बताए हैं, ये इतना अर्ध गुणसूत्र होता है, ये इतना अर्ध गुणसूत्र होता है, दो अर्ध गुणसूत्र से मिलने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो समझात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच अदला बदली होती है, यानी इतना भाग इसको चला जाएगा और इसका इतना भाग इसको चला जाएगा, मतलब ये जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है, अब देखिए कैसे बदलेगा, ये चला जाएगा, पीला वाला इधर चला जाएगा और ये जो नीला वाला था वो इधर चला जाएगा, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, दो समझात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं,
इसका नीला वाला पार्ट इसको चला गया, इसका पीला वाला पार्ट इसको चला गया, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं बनती हैं असंतति अर्धगुणसूत्रों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। भाई देखिए, एक गुणसूत्र में ये सब बातें समझते चलिए कि ये सब क्या होता है, नॉन सिस्टर और सिस्टर क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने क्या बताया, एक गुणसूत्र में ये इतना भाग अर्धगुणसूत्र होता है, ये इतना आधा होता है, ये इतना आधा होता है। ऐसे नहीं करते कि इसको आधा डिवाइड कर दें, इसको आधा डिवाइड करते, नहीं। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे डिवाइड करते हैं, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये भाग है, आधा ये भाग है। तो ये क्या है, ये अर्ध गुणसूत्र है। ठीक है, ये कहते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड यानी अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। ये अर्ध गुणसूत्र और ये अर्ध गुणसूत्र मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। लेकिन जब एक ही गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र होंगे तब इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, यानी ये जो हैं ये एक दूसरे के सिस्टर हैं, ये इनकी बहन है, इसलिए कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र तो बहुत अलग है ना, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। तो इनके सिस्टर क्रोमैटिड और इनके सिस्टम, इनको तो दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं। लेकिन ये और इनके ये तो सिस्टर नहीं ना है, ये तो अलग गुणसूत्र है, ये अलग गुणसूत्र है। तो इनको और इनको कहते हैं नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर। क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर। देखिए, नॉन सिस्टर असंतति अर्धगुणसूत्र, यानी दो अलग अलग गुणसूत्रों के जो अर्धगुणसूत्र होते हैं उनको नॉन सिस्टर कहते हैं। तो इन्हीं के बीच तो अभी आदान प्रदान हुआ है, तो दो गुणसूत्रों के असंतति यानी असंतति अर्धगुणसूत्रों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच गुणसूत्री पदार्थों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ की आदान प्रदान के कारण होता है। अब इस विनिमय में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस विनिमय में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। याद करिए, विनिमय की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक, दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पष्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के एक दूसरे से चारों ओर लिपटे रहते तथा खंडों का आदान प्रदान करते हैं। अभी बताए हैं किसमें, पैकेटीन, पैकेटीन में जीन ओवर होता है। अब देखो पैकेटीन का पहले आप शॉर्ट फॉर्म बनाओ, पैकेटीन की खास बात यह बताइए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए पैकेटीन में क्या होता है, जीन विनिमय, इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेज। जीन विनिमय होता क्या है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे कि ये आदान प्रदान किसके बीच होता है, असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। तो देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के चारों लिपटे रहते हैं, खंडों का आदान प्रदान होता है, किसमें, पैकेटिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मात्र तथा पितृ क्रोमैटिड के बीच अर्धसूत्री भाजन के दौरान गुणसूत्र खंडों को आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, विनिमय, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी। इंग्लिश भी याद रखेंगे, जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है, रिकॉम्बिनेज है, तो रिकॉम्बिनेज का काम क्या है, जीन विनिमय। जीन विनिमय किसमें होता है, पैकेटीन, पैकेटीन किसकी अवस्था है, पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट देख लीजिए, पूर्वावस्था फर्स्ट पैकेटीन स्थूल पट, ऑप्शन सी। अर्धसूत्र विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो फिर क्रॉसिंग ओवर आ गया, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैकेटीन में, पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पर देखिए पैकेटीन कहीं नहीं दिया है, तो प्रोफेज फर्स्ट लगाएंगे, क्योंकि पैकेटीन किसकी अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट की तो अवस्था है। अगला आता है डिप्लोटीन या द्विपट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन में गुणसूत्रीय आदान प्रदान, गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान हुआ पैकेटीन में, अब इन दोनों के बीच दूरी बनेगी, अलग होंगे ये दोनों, तो इसमें सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स बना था उसका विघटन होगा। ये
डिप्लोटीन की सबसे खास बात है, हजार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन या कियाज़मेटा का फॉर्मेशन कब होता है, तो ये होता है डिप्लोटीन में। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में बनाता है उसका विघटन होना लगता है डिप्लोटीन में, ये इसकी खास बात है। युगली के समझात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जो दो गुणसूत्र एक्स अक्ष आपस में मिले तो वो दोनों अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना बन जाती है, क्योंकि चार पंखों की तरीके से संरचना बनेगी तो एक्स जैसी बन जाती है, जिसे कियाज़मेटा कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होने लगता है, दो गुणसूत्र आपस में अलग होने लगते हैं, तो उससे एक्स जैसी संरचना बनती है जिसे कियाज़मेटा कहते हैं। कियाज़मेटा का फॉर्मेशन किसमें होता है, डिप्लोटीन में। कुछ कशेरुकी की जो ओसाइट्स होती हैं अंडक, उनमें द्विपट यानी डिप्लोटीन होने में महीनों और वर्षों का समय लग जाता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब बताइए डिप्लोटीन की खास बात बताइए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए डिप्लोटीन की खास बात क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन, SC का विघटन, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन, कियाज़मेटा का बनना, कियाज़मेटा का बनना निर्माण किसमें होता है, डिप्लोटीन में। उसके बाद बस कुछ ऊसाइट याद रखिएगा, कुछ ऊसाइट होते हैं, कुछ प्राणियों के ऊसाइट होते हैं जिसमें डिप्लोटीन में महीनों से वर्ष का समय लग सकता है। समजात गुणसूत्र का प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, तो जब समजात गुणसूत्र दे दिया गया है तो ये किसकी अवस्था है, पूर्वावस्था फर्स्ट की अवस्था है, या समजात गुणसूत्र की बात की है पूर्वावस्था फर्स्ट नहीं दी है तो आप क्या बताओगे, डिप्लोटीन, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। कियाज़मेटा का निर्माण किस अवस्था के दौरान होता है, तो अभी पढ़े हो, कियाज़मेटा का निर्माण किस में होता है, डिप्लोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन किस में होता है, डिप्लोटीन में, लगा दीजिए यहाँ पर डिप्लोटीन दिया है, देखिए प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटीन, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आखिरी प्रोफेज फर्स्ट का, डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइकाइनेसिस। जो आपने अभी पढ़ा है डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में कियाज़मेटा बनता है, डाइकाइनेसिस में कियाज़मेटा नष्ट हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन यानी उपांति भवन होता है, कियाज़मेटा नष्ट होने लगता है, दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहायता करते हैं। यानी जो स्पिंडल फाइबर आपकी बनती है सेंट्रोसोम से, वे गुणसूत्रों को अलग करने में, एक दूसरे से अलग करने में सहायता करने लगती हैं, ठीक। तो गुणसूत्र अलग होने लगते हैं किस अवस्था में, पारगति क्रम में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा यानी कियाज़मेटा का उपांति भवन किस में होता है, डाइकाइनेसिस में। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस जो केंद्रक में पाई जाती है वो अदृश्य हो जाती है, केंद्रक आवरण झिल्ली भी नष्ट हो जाते हैं। यानी पूर्वावस्था फर्स्ट में जो आखिरी का काम होता है वो आखिरी डाइकाइनेसिस में होता है। पूर्वावस्था फर्स्ट में क्या होता है, आपने पढ़ा है क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बना लेते हैं, केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है, तो यही चीज यहां पर हो रही है। अब आता है क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करिए, थोड़ा क्वेश्चन यहां पर देख लें, सही विकल्प का चयन करिए। लैप्टोटीन क्रोमोसोम अदृश्य हो जाता है, क्रोमोसोम अदृश्य किसी अवस्था में नहीं होता, इसको तो तुरंत काट दो। जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम का युग्मन, भैया युग्मन आ गया, बताए हैं युग्मन, समझात गुणसूत्र, सिनेप्सिस, ये सभी शब्द आए, जाइगोटीन लगा देना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, जाइगोटीन लगा देना, जाइगोटीन सही है। या पैकेटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। पैकेटीन की खास बात तो ये नहीं होती, पैकेटीन की खास बात तो क्रॉसिंग ओवर होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन डिप्लोटीन की बात होती है। डिप्लोटीन में देखिए द्विसंयोजी गुणसूत्र का चतुष्क के रूप में दिखाई देना, टेट्राड के रूप में दिखाई देना, ये भी गलत है। डाइकाइनेसिस कियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन में कियाज़मेटा बनता है और कियाज़मेटा नष्ट होता है डाइकाइनेसिस में, यानी इसमें सिर्फ दो लाइन सही है, बी और ई, यहाँ पर ऑप्शन सी, बी तथा सी सही है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका मध्यावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अर्धसूत्री विभाजन का, उसको खूब पढ़िएगा। इसको आप समसूत्री विभाजन के जो आपने मध्यावस्था पश्चावस्था और अंतावस्था पढ़ा उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो, वही बात है। देखिए मध्यावस्था फर्स्ट में मध्य रेखा पट्टिका पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं, आपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा ही है। स्पिंडल फाइबर सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं जो समजात गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं, आपने पढ़ा ही है।
पश्चावस्था फर्स्ट में देखिए जो गुणसूत्र मध्यावस्था और रेखा पर पट्टिका पर व्यवस्थित है वे एक दूसरे से अलग होकर ध्रुवों की तरफ जाने लगती हैं। देखिए अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं और समझात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और ध्रुव की तरफ मूव करने लगते हैं। प्रश्न है वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था है जिसमें समझात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। देखिए अर्धसूत्री की अवस्था पूछी है तो आप क्या बताएंगे, पश्चावस्था फर्स्ट, ठीक है, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े होते हैं, पश्चावस्था फर्स्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। अंत्यावस्था फर्स्ट में क्या होता है, फिर वही चीज, गुणसूत्र जाकर ध्रुव पर एकत्रित हो गए, केंद्रक झिल्ली का निर्माण, केंद्रिका पुनः स्पष्ट, केंद्रक आवरण यानी केंद्रक झिल्ली का निर्माण, कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिका द्विक हो जाती है। अब देखिए आपको बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन दो बार विभाजन होती है, एक होती है प्रथम और दूसरी होती है द्वितीय, अर्धसूत्री द्वितीय, तो इनके बाद ये आते हैं, है ना। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या पढ़ा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, अब इसके बाद ये आएगा सेकंड, लेकिन इनके बीच का जो अंतराल होता है उस अंतराल को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस, अंतरालावस्था, इंटरकाइनेसिस याद कर लीजिए, इंटरकाइनेसिस, इंटर का मतलब होता है इंटरवल, बीच वाला अंतराल, किसके बीच, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड के बीच का अंतराल, इंटरवल मत बोलिएगा, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था इंटरकाइनेसिस कहलाती है और बहुत कम समय के लिए होती है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच जो संयोजक कड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, ऑप्शन सी हो। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बहुत ईजी है, जैसे आपने समसूत्र में पढ़ा है पूर्वावस्था मध्यावस्था पश्चावस्था अंतावस्था सेम वही है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के अब कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के विपरीत, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समान सूत्री विभाजन के समान होती है। मैं पहले भी बताया था अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है उसमें गुणसूत्र आधी होती हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से ये कहा जाता है कि एकदम सूत्री विभाजन के समान है। तो जो आपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा है सेम वही चीजें, देखिए पूर्वावस्था फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा, काफी सरल होती है, केंद्रक आवरण नष्ट, केंद्रक आवरण जब नष्ट हो जाएगा तो जो क्रोमेटिन धागे हैं वे कॉम्पैक्शन संघनन शुरू होगा, गुणसूत्र के रूप में बनना शुरू होंगे। देखिए कॉम्पैक्शन हो गया, गुणसूत्र का संघनन शुरू हो गया। अब फिर आता है मध्यावस्था, तो मध्यावस्था में गुणसूत्र एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे, मध्य रेखा में अलाइन हो जाएंगे, वही सारी चीजें, गुणसूत्र मध्यांश पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों के जो तर्कु तंतु हैं उनके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। देखिए वही सारी चीजें मिली ना समसूत्री विभाजन की तरीके से, एक ही आपको पढ़ना है, समसूत्री विभाजन को रट डालना है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट के ये लैप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस को पढ़ लेना है, कोशिका विभाजन समाप्त। क्वेश्चन देखें, स्पिंडल के विपरीत ध्रुव से सूक्ष्म नलिकाएं सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं किस अवस्था में। अब देखिए अगर ऊपर वाले को देखेंगे, स्पिंडल के विपरीत ध्रुव से सूक्ष्म नलिकाएं सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं, तो ये आपका पूर्व मध्यावस्था फर्स्ट भी कह सकते हो, मध्यावस्था सेकंड भी कह सकते हो, लेकिन जब दूसरी लाइन को देखोगे तो कहोगे मियोसिस की किस प्रावस्था में दो कोशिकाएं होंगी, प्रत्येक की दो कोशिकाएं होंगी, तो दो कोशिकाएं तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनेंगी ना, तब आप क्या बताओगे, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ठीक है बी। इसके अनुसार अगर ये सिर्फ लाइन दी गई है तब तो मेटाफेज फर्स्ट भी ऑप्शन सही हो सकता है, अगर ऑप्शन में है तो, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो मेटाफेज सेकंड ही होगा, ठीक। लेकिन इसमें देखिए दो कोशिका दे दी गई है, तो दो कोशिका तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद ही बनेगी ना, तो अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, तो मेटाफेज फर्स्ट हो ही नहीं सकता, मेटाफेज सेकंड होगा। हाँ उसके बाद आता है पश्चावस्था सेकंड, अब वही चीज है जो समसूत्री विभाजन में आपने पढ़ा, पश्चावस्था सेकंड में क्या होगा, जो मध्यावस्था रेखा में पंक्तिबद्ध है गुणसूत्र वे एक दूसरे से अलग होकर ध्रुव की तरफ जाने लगेंगे और उसके बाद वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। देख लीजिए गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं से छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुव पर चले जाने लगते हैं, वही बात। अंत्यावस्था सेकंड में अब जो गुणसूत्र पहुंच चुका है ध्रुव की तरफ वो विघटित होकर गुणसूत्री पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, कोशिका के विभिन्न अंग कोशिकांग पुनर्निर्मित होने लगते हैं। यह अवस्था विभाजन की अंतिम अवस्था है, गुणसूत्र के दो समूह केंद्रक आवरण बन जाते हैं, बता ही चुके हैं अभी। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार आगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन है,
तो अर्धसूत्री विभाजन में चार गुण चार कोशिकाएं बनती हैं और चारों आगुणित होती हैं। ठीक, ये बात हो गई। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन जीवों के प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखती है। इस बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित करना चाहती हैं। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं रह पाएगी। जैसे मान लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मनुष्य है, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। आपको पता है कि मनुष्य में नर और मादा होते हैं, दोनों के मिलने से ही नए संतान का उत्पन्न होता है, तो इनमें भी 46 गुणसूत्र होगा, इनमें भी 46 गुणसूत्र होगा। अगर इसमें, मान लो कि अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो तब क्या होगा? तब इनसे युग्मक बनेंगे 46 गुणसूत्र वाले, इनसे भी युग्मक बनेंगे 46 गुणसूत्र वाले। अब ये युग्मक इससे मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 6 12 2 हासिल 1 4 4 8 1 9 92 गुणसूत्र। यानी जो नया संतान उत्पन्न होगा उसमें 92 गुणसूत्र होगा। तो क्या इतने गुणसूत्र किसी मनुष्य में पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? 1 2 गुणसूत्र से अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, गठिए ऐसे हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, माथा चौड़ा हो जाएगा, आदमी पागल हो जाता है, छोटे में ही मृत्यु हो जाती है। 1 2 गुणसूत्र के बढ़ने और घटने से नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 92 गुणसूत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या बनेगा? एलियन बन जाएगा, जादू। ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो 92 गुणसूत्र ना बने, यानी जो 46 गुणसूत्र मनुष्य में हो वही अगली पीढ़ी में भी हो, इसी के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब इनमें होता है तो इनसे जब युग्मक बनते हैं तो आधे गुणसूत्र 23 इसमें होता है, 23 इसमें होता है। इन दोनों के मिलने से फिर से 46 गुणसूत्र वाला नया संतान मनुष्य पैदा होता है। क्लियर बातें? तो यही कह रहा है कि इसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों के प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती है। यानी जो माता पिता का है वही गुणसूत्र उनके संतान में होता है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारियों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती हैं। आनुवंशिक विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होता है, इस बात को माइंड में नोट कर लीजिए। आनुवंशिक विभिन्नता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, एक आता है क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, जिसमें गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। तो भाई जब एक गुणसूत्र के चीज़ों को चेंज कर दिया गया, दूसरे गुणसूत्र में दे दिया गया, दूसरे का उसको दे दिया गया, तो परिवर्तन हुआ ना, तो परिवर्तन से विभिन्नता उत्पन्न होगी। यही कारण है कि हम लोग एग्जैक्ट अपने माता के समान नहीं होते, ना एग्जैक्ट अपने पिता के समान होते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों में जीन विनिमय होता है, बदलाव होता है। प्लस माता का गुणसूत्र अलग, पिता का गुणसूत्र अलग, इनको मिलने से एक नया गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें कुछ लक्षण पिता के कुछ लक्षण माता के होते हैं। इसी वजह से मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति अपने एकदम माता के समान नहीं होता, ना अपने पिता के समान होता है, भिन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही विभिन्नता उत्पन्न होती है, और विभिन्नता ही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैव विकास के लिए। बायो इवोल्यूशन यानी जैव विकास, इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा विभिन्नता के कारण ही होती है। जैव विकास होगी ही नहीं अगर विभिन्नता नहीं होगी, तो नई जाति उत्पन्न ही नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन, देखें कि कोशिका विभाजन की महत्ता क्या है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता बताइए। तो अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता यह होती है कि आगुणित अवस्था को बनाए रखना। युग्मकों के निर्माण में नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, युग्मक के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन साथ ही साथ समसूत्री विभाजन का भी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, किसमें? नर ड्रोन मक्खी में। तो नर ड्रोन मधुमक्खी में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनता है। तो क्या ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, अर्धसूत्री विभाजन युग्मक में नहीं, युग्मक में निर्माण में सहायता करता है, लेकिन सभी में नहीं। यहाँ पर यह अवस्था आपकी सही जाएगी कि आगुणित अवस्था को स्थापना में यह हेल्प करती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित चार संतति कोशिकाएं होती हैं, आगुणित होती हैं, देख लीजिए। आनुवंशिक रूप से समान नहीं, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया दूसरी तरीके से, क्या आनुवंशिक रूप से समान होती हैं? नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, आनुवंशिकता चेंज हो जाती है, आनुवंशिक रूप से असमान होती हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अर्धसूत्री विभाजन में आनुवंशिकी रूप से असमान होते हैं, लेकिन समसूत्री विभाजन में आनुवंशिक रूप से समान होते हैं जो संतति कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करिए। क्रॉसिंग ओवर, सूत्र युग्मन, क्याज्मेटाकांत, केंद्रिका का दृश्य होना। तो अभी देखिए कौन सबसे पहले होता है, सबसे पहले युग्मन होता है,
सूत्र युग्मन होता है, यानी आप क्या कहते हैं गुणसूत्र पेयरिंग बनाते हैं, यानी बी होता है। फिर देखिए इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, ए होता है, फिर कियाज्मेटा बनता है, फिर कियाज्मेटा का अंत होता है, फिर लास्ट में केंद्रिका आदृश होती है, बी ए सी डी पहला ऑप्शन सही है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व बताइए, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या को आगुणित संख्या में अपघटित करना, बिल्कुल सही। जीवों के लैंगिक प्रजनन में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखना, बिल्कुल सही। अभी बताए हैं कि लैंगिक प्रजनन में कि जाति की संख्या में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहे। किसी जाति की जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता, देखिए विविधता उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन में विशिष्ट तथा अर्धसूत्री विभाजन का भाग नहीं है, यानी समसूत्री विभाजन के बारे में बताना है। समजात गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, उनके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में उनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, आनुवंशिक पदार्थ का मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से असमान हो जाती हैं, अस्वतंत्र होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन आरंभ कौन करता है? सेंट्रोसोम, तारक काय, जो आपको बताया है ना बार बार, विपरीत ध्रुवों में ऐसे दो ठू डंडी बना रहे हैं ना बार बार, वो डंडी तारक काय ही है, सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रोसोम। ऑप्शन ए सही आएगा। सही युग्म का चयन करिए, आपको अवस्था बतानी है कि किस अवस्था की घटना क्या दी गई है। ऐसा अवस्था में डीएनए का प्रतिकृति, बिल्कुल सही बात। जाइगोटीन में सिनेप्सिस, बिल्कुल सही बात। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर, नहीं क्रॉसिंग ओवर तो पैकेटीन है, गलत। मियोसिस, दोनों हैप्लॉयड डिप्लॉयड कोशिका, नहीं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कोशिका में सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, हैप्लॉयड कोशिका में कभी भी मियोसिस नहीं होता। गैप टू अवस्था, शांत अवस्था, नहीं शांत अवस्था को जी जीरो कहते हैं, यानी सिर्फ ए और बी सही होगा, ए और बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है। पैकेटीन आपने क्या पढ़ा, पैकेटीन की मुख्य बात क्या थी? क्रॉसिंग ओवर जीन विन में, मेटाफेज फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका में व्यवस्थित, मध्यवर्ती पट्टी में व्यवस्थित। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस की खास बात क्या थी? डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ सिनेप्टोमल कियाज्मेटा है, कियाज्मेटा का समापन। जाइगोटीन, जाइगोटीन में युग्मन, सिनेप्सिस, समजात गुणसूत्र, इन सभी का समजात गुणसूत्र का युग्मन जोड़ लीजिए। ए का तीन कहीं है, देखिए ऑप्शन बी पहले के देखते लगा देते हैं, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हाँ ठीक है। बस ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया पूरी तरीके से क्वेश्चन के साथ, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ पर तय होता है, दो से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस कोर्स और बहुत आसान है, बस इसको जितना शॉर्ट हो पाए ना, शॉर्ट करते करते आप पढ़िए इसको। उम्मीद है कि आपको अध्याय पूरी तरीके से समझ में आया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी अच्छे तरीके से किया, आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है, आप दो तीन घंटा आप देख रहे हैं वीडियो और उसके बाद रिविजन भी कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन पक्का है होगा। और बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, जितने उत्साह के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने उत्साह के साथ आप खुद भी पढ़िए, चीज़ों को रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर देखिए, फिर समझिए, फिर उस चीज़ों को पढ़िए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी मैं करा रहा हूँ बस उतना इनफ है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप भटक जाओगे, आप कहोगे अरे सर ये तो आ ही नहीं रहा है, तो वो क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर के हैं जो अब नहीं आ रहे हैं। ये ट्रेंड पहले का था, जो पहले पूछी जाती थी, जब पुरानी एनसीईआरटी चलती थी तब आपके एआईपीएमटी में जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे। एआईपीएमटी के क्वेश्चंस भी हो सकता है सॉल्व ना हो रहे हो इन सब चीज़ों से, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। एआईपीएमटी का पैटर्न अलग था, नीट का पैटर्न अलग है, नीट का पैटर्न पूरा एनसीईआरटी पे, नीट के दो तीन साल का आप पैटर्न उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपके, बस उन्हीं को रिवाइज करिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका मन कर रहा है तो कोई एनसीईआरटी की ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें एनसीईआरटी के ही सिर्फ क्वेश्चंस हों, ठीक। इतना आप पढ़िए, बाकी आपका जो भी लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट डे पे अपलोड हो जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।